Assalamualaikum, good morning Pakistan. हमारा कहानी सुनो वीक चल रहा है और आपको हम रोज कहानियां सुना रहे हैं। अब ये मत कहिएगा कि कहानी तो रात को सुनाई जाती है, सुबह सुबह कौन कहानियां सुनाता है। कहानी सुनने का कोई वक्त नहीं होता। अगर कहानी इंटरेस्टिंग होती है तो दोपहर को भी सुनाई जा सकती है। आपको याद है ये कहा जाता था, मुझे अच्छे से याद है। हमें या तो हमें मामू बनाते थे हमारे बड़े, हमें थोड़ा सा उल्लू बनाते थे, कहते थे कि अगर दोपहर में कहानी सुनाएंगे तो मामू रास्ता भूल जाएंगे। याद है आपको वो दिन? ऐसा कुछ भी नहीं है। कहानी सुनने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, कहानी सुनने का मूड होता है। अब मज़े की बात यह है कि अगर आपको सुबह सुबह कहानी सुनना कुछ अजीब लग रहा है तो आप इसको YouTube पे रात में देख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। हम क्योंकि बात कर रहे हैं कहानी सुनो वीक में मोहब्बत की, प्यार की, लगन की, लगाव की, तो ये जो रिश्ता है ना, मियाँ बीवी का रिश्ता, ये वो रिश्ता है जो खून का रिश्ता नहीं है लेकिन खून के रिश्तों से बढ़कर हो जाता है। ये वो रिश्ता है जो अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि अगर आप इसे इसके लिए ये कहूँ कि आप लाइव मसाला वाली मूवी देख रहे हैं, मियाँ बीवी का रिश्ता। किसी और को अगर आप देख रहे हैं, किसी और कपल को देखते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप कोई मसाला मूवी देख रहे हैं। लड़ाई, झगड़ा, प्यार, मोहब्बत, नाराज़गी, इमोशंस और बहुत सारी फीलिंग्स इस रिश्ते के अंदर होती हैं। रोना धोना, हंसना हंसाना, इससे इस रिश्ते में आपने इससे ज़्यादा गहरे लाफ्टर्स नहीं सुने होंगे, इससे ज़्यादा दुख और दर्द नहीं देखा होगा, इससे ज़्यादा आंसू नहीं देखे होंगे। सो बेचैनी, रातों को जागना, काम में दिल ना लगना, भूख उड़ जाना और ना जाने पता नहीं क्या क्या सिम्टम्स इस बीमारी के साथ, जैसे हम कभी कभार लवेरिया भी कहते हैं, इसके साथ अटैच होते हैं। और ये लव, ये मोहब्बत, ये प्यार कुछ अलग तरीके का होता है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ज़ाहिर है इस रिश्ते में रूठना मनाना तो चलता है, बड़े बड़े गाने बन गए मियाँ बीवी को अगर, या लवर्स को एक दूसरे से को रूठ रहा है उनको मनाने में, बड़े बड़े गाने इस पे तख्लीक दे दिए गए। जो खुद इस रिश्ते में मौजूद लोग होते हैं उनके लिए अगर मैं कहूँ तो देखिए उनके पास कितने अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं। कभी अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है और मनाने के लिए अलग अलग हथकंडे इस्तेमाल करते हैं वो लोग। कभी वो पेट के ज़रिए मनाते हैं, जैसे कि बीवी ने बहुत पसंदीदा मियाँ का कोई अच्छा सा खाना तैयार कर लिया और उनको खुश करने के लिए वो टेबल पे बहुत अच्छे से पेश कर दिया और मोहब्बत से अपने हाथ से खिला भी दिया। या फिर मियाँ रूठी हुई बीवी को गोला गड्ढा खिलाने या चने की चाट खिलाने या खाना बाहर खिलाने ले जाते हैं अपनी नाराज़गी को दूर करने के लिए, उनकी नाराज़गी को दूर करने के लिए। और फिर अगर ये बात कहें आप, एक हथकंडा तो ये है पेट के ज़रिए, एक हथकंडा है बच्चों के ज़रिए। हमेशा बच्चों को कोनिया मार मार के कहा जाता, तुम्हारी अम्मी जो है ना ऐसी करती हैं, देखो मेरे साथ, तुम्हारे अब्बू जो है ना वो ऐसे करते हैं मेरे साथ, और बच्चों को बीच में ऐवें ही डाला जाता है कि तंग आके बच्चे ही मिला देते हैं। खुदा के वास्ते दोस्ती कर लें, खुद ख़त लिख के अब्बा को भेज देते हैं अम्मी की तरफ से और ख़ुद ख़त लिख के अम्मी को भेज देते हैं अब्बा की तरफ से। तो एक हथकंडा है बच्चे, बच्चों के ज़रिए दोस्ती करवाना। फिर है एक हथकंडा बीमारी, ज़रा सा नज़ला खांसी ज़ुकाम हो गया और बिस्तर पे पड़ जाते हैं आदमी अपनी खिदमात कराने के लिए बेगमात से, ताकि उनकी नाराज़गी को दूर कर सकें और हमदर्दी हासिल कर सकें। उसी तरह बेगमात भी करती हैं, आप देखें अक्सर बेगमात का काम होता है सर पे पट्टी बांध के घूमते हैं, हाय अल्लाह मेरे सर में बहुत दर्द है, हाय मेरे घुटना, हाय मेरी कमर। तो ये सारे कभी कभार हथकंडे बन जाते हैं एक दूसरे को मनाने के लिए, एक दूसरे की अट्रैक्शन ज़्यादा गेन करने के लिए, एक दूसरे की तवज्जो हासिल करने के लिए। तो ये रिश्ता तवज्जो मांगता है, ये रिश्ता प्यार मांगता है, ये रिश्ता केयर मांगता है, ये रिश्ता इज्जत मांगता है। आजकल की लड़कियाँ इस बात में बड़ी पर्टिकुलर हैं कि हमें जिससे प्यार है या जो हमसे प्यार करता है वो प्यार से पहले हमें सबसे पहले रिस्पेक्ट दे, इज्जत दे। अब अगर मैं आपको एज औरत, मैं जो मर्द हजरात मुझे देख रहे हैं उनको बताती हूँ कि एक बीवी के लिए इज्जत क्या है। एक बीवी के लिए इज्जत ये है कि आप जो आसपास के सारे आपके रिश्तेदार हैं उनके नज़दीक उस बीवी की इज्जत रखें। अगर उसके अंदर कोई कमी है, जैसे कि हर इंसान में होती है,
मर्दों में भी हो सकती है, तो उस कमी को दुनिया के सामने ढंडोरा ना पीटें बल्कि उसकी कमियों पर पर्दा डालें। कहते हैं ना मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, बिल्कुल उसी तरह अपनी बीवी की इज्जत रखनी चाहिए। मुझे बड़े बुरे लगते हैं वो आदमी जो अपनी बीवी की बुराइयाँ बैठ के दूसरे लोगों से कर रहे होते हैं, ये तो बड़ी फुअड़ है, इसको तो कुछ आता ही नहीं यार, खाना ऐसे बनाती है तुम्हारी भाभी कि दिल चाहता है होटल चला जाऊं और फला ना कर लूं, इतना घर गंदा, बच्चों की देखो ना क्या परवरिश की है। हर वक्त शिकायती आलम में जो आदमी रहते ना अपनी बीवी के, मुझे तो उनसे सख्त चिढ़ होती, मुझे तो उनसे बात करना पसंद नहीं होती, वो अपनी पर्सनैलिटी की अक्कासी कर रहे होते हैं। और जब मैंने देखा है कि हस्बैंड्स अपनी बीवी की तारीफ करते हैं उसकी सारी कमियों के बावजूद, वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ उसके अंदर ढूंढ लेते हैं जो दूसरों से मुनफरद होती है, जो पावरफुल होती है उसकी पर्सनालिटी में, और उसको लेके जब तारीफ़ करते हैं तो मुझे वो आदमी इतने अच्छे लगते हैं, मैं कहती हूँ ये अच्छी पर्सनालिटी के आदमी। ऐसे मेरा जज करने का स्टाइल ये है, हर किसी के जज करने का स्टाइल ये अलग अलग होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो आदमी अपनी घर की औरत, बेटी, माँ, बीवी, कोई भी औरत जो उससे कनेक्टेड होती है उसके लिए इज्जत से बात करता है या उसकी बात करते हुए उसकी आंखों में एक ग्लेयर आती है, तो वो मर्द सबसे बेस्ट होता है। बल्कि मैं कहीं पढ़ भी रही थी कि अगर आपने बिजनेस पार्टनर आप ढूंढ रहे हैं तो आप वो बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे जिसकी हिस्ट्री इस तरह है कि वो अपनी जो स्पाउस है, जो अपनी लवर है, उसके साथ सिंसेयर है, उसके साथ बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना प्यार में मगन है और लॉयल है उसके साथ, तो वो शख्स कभी भी दूसरे शख्स के साथ भी बेवफा नहीं हो सकता। सो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने कहा इसे कोट करूँ कि मोहब्बत में एक सिंसेरिटी और एक इज्जत, ये दोनों बढ़कर है सबसे ऊपर, उसके बाद आता है प्यार, मोहब्बत वगैरह वगैरह। एक छोटे से ब्रेक के बाद आज की कहानियाँ देखते हैं, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ सुनने के लिए। आइए एक साथ मिलकर सुनते हैं कहानी, सुनो। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको जिस सेलिब्रिटी से मिलवा रहे हैं, आप रोज़ किसी ना किसी सेलिब्रिटी से मिलते हैं और उनकी कहानी सुनते हैं, उनकी मोहब्बत की कहानी। मोहब्बत की कहानी हो भी तब भी, और मोहब्बत की कहानी नहीं हो तब भी। सो आज हमारे पास एक ऐसे एक्टर मौजूद हैं जिनको आप पहले भी मेरे शो पे देख चुके हैं, मैंने उनके बारे में उनसे बात की थी कि वो कैसे इस फील्ड में आए, कितनी जद्दोजहद के बाद, कितनी स्ट्रगल के बाद उन्होंने वो मकाम हासिल किया जो शायद किसी को कभी कभार ट्रे में रखे मिल जाता है। लेकिन आज मैं उनसे उनकी कहानी के बारे में जानूंगी, उनकी मोहब्बत की कहानी। आपने इनको देखा है मुकद्दर का सितारा में, रेशम गली की हुस्ना में, दिल लगी फर्ज, जीटी रोड और बहुत सारे मुख्तलिफ ड्रामों में। सो आइए आपकी मुलाकात करवाती हूँ मैं इनायत खान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इनायत, हमारी मुलाकात हुई थी अभी शायद लाइक लास्ट मंथ। मुझे उम्मीद तो थी अच्छे की, लेकिन इतने अच्छा हो जाएगा तो वो मुझे कंटेंट, बाकी सारी चीजें, ट्रीटमेंट, ड्रामे की डायरेक्शन, वो सारी चीजें काउंट करती है लोगों की पसंदीदगी। एग्जैक्टली, असल में आप अपनी अपना 100% देते हैं तो बदले में आपको मिलता भी है, बिल्कुल खुशी होती है। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, बेशक बेशक। कभी कभार ऐसा होता है कि आपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में मेहनत की होती है लेकिन आपको उससे फल उसका आगे जाके एग्जैक्टली मिलता है, ऐसा होता है। बहुत ऐसी केसेस हमने देखे जो शुरू में एक चीज कुछ चल नहीं पाती, हाँ। लेकिन कुछ दो तीन चार साल बाद अचानक लगता है कि वो चीज निकल गई। Exactly. तो ये बिल्कुल exactly ऐसा होता है। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम वर्क था, बहुत बहुत अच्छा। डायरेक्टर साकिब जफर बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, फिर प्रोडक्शन पे चीजें बहुत अच्छा था, स्टोरी राइटर लोगों को बहुत मजा आया, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा। फिर यार भाई तो माशाल्लाह उनके ड्रामे तो वैसे ही लोग बड़े दिल से देखते हैं, नो डाउट। अच्छा इनायत, हमने पहले आपकी स्ट्रगल और सारी चीजें डिस्कस की थी, वहीं झलकियों में आपने कहानी सुनाई थी कि अरेंज मैरिज आपकी। हाँ, या, या। क्योंकि हमारा वीक ही ऐसा है ना कि आप मोहब्बत की कहानी, और जरूरी नहीं है कि अच्छा अरेंज मैरिज है तो मोहब्बत नहीं हो सकती। सो इनायत जो है वो थोड़े से ओपन नहीं होते इतने आराम से, आहिस्ता 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 थोड़ा शाय पर्सनालिटी लगती है मुझे आपकी, है ना? जी जी जी, बड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का। लेकिन मेरा
जब मैं लोगों को बताता था ना, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि मैं खुद से बताता नहीं, कोई पूछता है तो बताता हूँ जी आई एम मैरिड। अच्छा कैसी, अगला सवाल ये होता है कि शादी कैसे, इंडस्ट्री में बाहर, मैंने कहा इंडस्ट्री में नहीं अरेंज है, तो लोग हैरान होते हैं कह रहा आप एक्टर हो के अरेंज हो 2023 में कैसे कर सकते हैं। तो यू नो एज एन एक्टर आपके पास काफी ऑप्शन होते हैं, चीजें होती हैं। तो खैर मेरा केस ये था कि मेरी दादी, आई लव हर, तो मुझे बेसिकली मेरी दादी ने पाला। अच्छा। हाँ तो मैं उनका कुछ कहा जो है ना वो टाल नहीं सकता। अगर उन्होंने पहली बार मुझसे कहा कि नहीं, शी इज माय फर्स्ट कजन, जो वाइफ है मेरी, हाँ, अच्छा। चाचू की बेटी। हाँ। तो उन्होंने, दादी ने कहा भी भाई तुम्हारा रिश्ता जो तुम एक्टर बनना चाहते हो बनो, जो बनना है तुम्हें बनो, तुम्हारी अपने ड्रीम्स पूरे करो, ख्वाहिश पूरी करो, लेकिन शादी तुम्हें अपने खानदान में। लेकिन मेरे हस्बैंड में खानदान में शादी नहीं होती, वो लोग अवॉइड करते हैं खानदान में शादी, मेडिकल रीजंस की वजह से भी, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं हमारे खानदान में, ससुराल में मेरे, सो वो उनके यहाँ मैंने लाइक आई डोंट थिंक सो, जो मैं जिस भी नजर से गुजरू मैंने किसी के खानदान में शादी नहीं देखी। Okay. तो मगर खानदानों का ये सिंधी या बलोच या पंजाबियों में नहीं होती, ये खानदानों के ट्रेडिशन होते हैं अपने। एग्जैक्टली कई कई उर्दू स्पीकिंग्स भी ऐसे होते हैं। वैसे मैंने ठीक ही कहा ना, बलोच है ना वैसे। हाँ, आपकी, हाँ, बलोच। अच्छा हमारे साथ ये है क्योंकि मेरी जो जनरेशन है, हाँ, हम लोग कराची शिफ्ट हुए थे। मुझे 30 साल हो गए कराची में। अच्छा। एंड हम लोग फर्स्ट, मतलब कि आई वाज जस्ट 1 ईयर ओल्ड, हम लोग जब शिफ्ट हुए थे कराची में, उससे पहले सारी एक जो माइंड सेट सब कुछ विलेज वाला, गांव वाला, तो वो उनको बदलते बदलते टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, और वो काफी कुछ बदल भी गया, क्योंकि हमारे वहाँ जो है वो लड़कियां पढ़ती नहीं थी, तो यहाँ आके क्या हुआ कि मुझ गुनाहगार ने ये स्टैंड लिया कि कम से कम हमारे घर की लड़कियों को एटलीस्ट मैट्रिक तो लाजमी। आपकी बीवी पढ़ी है? अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आप, मतलब पहले से ही वो था या आपके कहने के बाद? या 6th class तक तो उनका माइंड था, हाँ, यार वो क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि शादी तो खानदान में ही करनी है, हाँ, या फिर लड़की ने जॉब तो करनी नहीं है, हाँ, तो इतनी पढ़ ले कि बच्चों को तरबियत करने में नहीं बेहतरी हो। जब आपने अपनी, आपकी दादी ने आपसे कहा कि भाई कुछ भी करो, एक्टिंग करो, कुछ करो, हाँ, शादी तुम्हें खानदान में करनी होगी, तब छोटे थे आप, बिल्कुल शादी वाली उम्र थी या नहीं? ये मैं बात कर रहा हूँ, आई वाज 18 years old। अच्छा। तो मैं जब स्ट्रगल स्टार्ट की थी, तो उस वक्त की बात, उस वक्त आपकी बीवी पढ़ रही थी? हाँ, उस वक्त पढ़ रही थी obviously। और मतलब आपकी दादी को ये पता था कि आपको पढ़ी लिखी लड़की चाहिए अपने लिए? ये एक I'm blessed कि दादी इवन के वो विलेज से हैं, गांव से, हाँ, लेकिन एक सेंस उनको, दादा को, दादी को ये था, हाँ, कि यार ये पैर जो है इनायत अगर एजुकेटेड तो ये पैर अच्छा लगेगा, हाँ, हमारे खानदान में, हाँ, क्योंकि बाकी भी लड़कियां थी, लेकिन उनको ये वाला ऑप्शन अच्छा लगा। अच्छा। जो कि उनको पता था कि मैं इनकार भी नहीं कर पाऊंगा, तो वो ऐसा ही हुआ। अच्छा। तो वो एक मिस मैचिंग नहीं हुई। अच्छा। उनको लगा था कि यार ये दो अच्छे लगेंगे एक साथ, दोनों एजुकेटेड भी हैं, हाँ, तो ये इस तरह का एक सिनेरियो था। लेकिन मेरी वाली जो कहानी ये थी कि मेरी वाइफ की, वो मेरे स्टैंड लिया था, मैंने कहा 6th class नहीं भाई, एटलीस्ट मुझे कम से कम लड़के, मैं तो चाहता हूँ कि कम से कम इंटर हो, हाँ, लेकिन ये कि बड़े लड़के मैंने मैट्रिक करवाया था। अच्छा, तो आपके कहने पे, आपकी ख्वाहिश की वजह से पढ़ी थी वो? हाँ बिल्कुल, मेरी ख्वाहिश की वजह से। और वो उनको खुद शौक था या उन्होंने बस मंगेतर की खातिर? नहीं नहीं, शौक था उनको, इसलिए फिर मैंने स्टैंड लिया ना। अच्छा। क्योंकि आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, हाँ, एक चीज में अगर आप आपकी इंटरेस्ट हो आपका किसी भी चीज में, तो आप फिर दिल से करते हैं चीजों को ना। तो उन्होंने फिर मुझे, मैंने बात की कि भाई आप पढ़ना चाहते हैं? हाँ। जी मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो वो फिर मैंने इजाजत, मैंने कहा भाई मुझे कुछ भी करें आप, दादा क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड, हाँ, हमेशा जो है ना वो डोमिनेटिंग रहे। पिक्चर्स भी हमारे पास है, दिखाओ दिखाओ कौन सी पिक्चर्स है, देखो। आई लव स्वीट, हां थैंक यू सो मच। हां और दिखाओ दूसरी पिक्चर, क्या हो गया? हाँ। अच्छा आपने स्पेशली फोटो शूट कराया है? हाँ ये मैंने, ये खानदान में आप कह सकते हैं पहला फोटो शूट मैंने ही करवाया। तो अब मतलब लाइक पर्दा करती हैं वो, लेकिन खानदान ने इजाजत दे दी थोड़ा सा एक? हाँ ये देखे, इतना तो जब मियां राजी, मैंने कहा ना कि मैं आस्ता आस्ता उनको लेके आ रहा हूँ, समझा, आस्ता आस्ता लेके आ रहा हूँ, स्कूल तक ले आया,
उसके बाद अब यहाँ तक भी ले आया। देखिए ये भी एक मोहब्बत की कहानी है कि लाइक आप जिससे आपकी मंगनी हो रही है और आप वो पढ़ना अगर चाहती हैं तो उनके लिए आप स्टैंड ले रहे हैं, लड़कियां नहीं पढ़ती। दिस इज आल्सो आई थिंक ये भी एक मोहब्बत की कहानी है कि आप उनको पढ़ने का मौका फरहम करें, उनके लिए स्टैंड लेके खड़े हो। अच्छा तो फिर उनसे आपने बातचीत कब शुरू की, लाइक शादी से कितने अरसे पहले, एज सच ये सोच के कि ये मेरी स्पाउस होंगी, मेरी हमसफर होंगी? हमारे कितनी खुश हो रही होंगी भाभी अभी देखकर। जी 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 जी, पिछली बार नाराज हुई थी कि मेरा जिक्र क्यों नहीं किया। नहीं जिक्र नहीं हो, मैंने एक बार वो जोक में कह दिया था, घर पे जाके दलीलें देनी पड़ गई मुझे। वो ये था कि मैंने कहा था कि भाई वो मैं घर पे जाते नहीं, वो कहते हैं घर पे नाराज करो। हाँ। वो जोक था तो वो खैर बीबिया नाराज हो जाती है। जी बिल्कुल, मैं सीख रहा हूँ। नई नई शादी हाँ 2 सालों में। तो मेरा ये था, सॉरी मैं सवाल आपको बोलूं। मेरा सवाल आपसे ये था कि आपने उनसे बातचीत कब करना शुरू की शादी से, लाइक कजन थी, जाहिर है कजन तो होता है कि फैमिली में सब इकट्ठे बैठे होते हैं, लेकिन आई डोंट नो हर फैमिली में नहीं होता होगा ना कजन से मिलना जुलना। हमारे साथ ये घर में अभी भी वो ऐसा ही है कि मिल के खाना नहीं खा पाते। हाँ। मर्द आते हैं। हाँ। खाना खा जाते हैं। ओके। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ। लड़कियां पहले खा सकती हैं। ओके। जो पहले आ गया खा गया, मतलब इकट्ठे बैठने वाला रिवाज नहीं। बिल्कुल रिवाज नहीं। बाकी आपस में कजन्स में सब एक दूसरे से फ्रैंक होते हैं, आपके खानदान में ऐसा नहीं। इस बात को कहने का मकसद यह है कि मुलाकात हमारी इस तरह होती नहीं थी पहले। कभी कभी हम घर पे, जिस तरह क्योंकि हम अलग घर में रहते थे, वो अलग घर में रहते थे, तो कभी मुलाकात हो जाती थी। तब वहमो गुमान में भी नहीं था कि शादी होनी है। कजन जिस तरह नॉर्मली आप बात कर रहे होते हैं, लेकिन जिस तरह फिल्मों में देखते हैं ना पुराने वाले के, जब मंगनी हो जाती है तो आप शर्माते हैं। लड़कियां बहुत शर्माती हैं, वो सामने नहीं आती, बिल्कुल दूर दूर रहती हैं। तो ये सीन हुआ, सहेलियां छेड़ती भी हैं कि तुम्हारा मंगेतर आ रहा है। यू आर अ गुड स्टोरी टेलर, यू नो। आप पता है बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन आपकी स्टोरी सुनने में ना इंटरेस्ट होता है। थैंक यू। तो वो लड़कियां, सहेलियां, कजन, बहनें छेड़ती भी हैं। हाँ। देखो वो आ गया ये वो। हाँ। वो आपस में जो नटखटी चीजें जो होती है, वो इस तरह की एक सिचुएशन थी मेरी। हाँ। और वो हम बात नहीं कर पाए इतना। अच्छा। हाँ, क्योंकि जानते तो थे एक दूसरे को। हाँ। उनको भी लगा कि हाँ यार विल मेक अ गुड पेयर। मुझे भी था कि यार दादी का फैसला है एंड आई एम आल्सो इंटरेस्टेड। अच्छा। तो यार हाँ कि अच्छा होगा। हाँ। और ये कि आज इनायत इतना संभल के बोल रहे हैं ना क्योंकि घर भी जाना है, इनायत बहुत संभल के बोल रहे हैं। जी जी जी, नपा तुला बोल रहे हैं। जी जी जी, पिछली बार मैं भुगत चुका हूँ। देखे बाहर आप जितने बड़े एक्टर हो जाए, बीवी है तो सुकून है। जी 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 जी, बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं। वो जो अपने सिपा सलारों कहते थे, अल्लाह की कसम मैं जंग में था, बताओ बेगम को, मैं जंग में था। तो बेगम आज होम मिनिस्टर्स। अच्छा फिर आपकी बातचीत मंगनी से पहले, शादी से पहले शुरू हुई। हाँ, जब आपकी बात पक्की हो गई। जब बात पक्की हो गई फिर वो हम थोड़ा दूर दूर रहना, कभी कभी मैं आ भी जाता था तो वो दूसरे रूम में चले जाना। बात नहीं करते बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। हालांकि इजाजत थी घर से। हाँ। मेरे ससुर कहते थे कि बात किया करो अपनी बेटी को, ऑब्वियसली मेरी वाइफ को कहते थे, लेकिन वो उनमें थोड़ी, वो मुझसे ज्यादा इंट्रोवर्ट है। वो बहुत ज्यादा शाय पर्सन है। अच्छा। इसलिए वो पब्लिकली भी नहीं आती। और वो अब इसको मेरी खुशनसीबी कहना है, लाइक अगर कवर करके फेस वो आ सकती हैं, आपकी तरफ से इजाजत है? मैं तीसरी बार उनसे बार बार, जिस तरह मुझे आपकी टीम से भी आई कि यार भाभी को आप, मैं रिक्वेस्ट करता था। अब मैं अगली दफा मैं मनाऊंगी, सही है ना, मैं खुद मनाऊंगी भाभी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता था लेकिन वो, उनको थोड़ा घर पे रहना ज्यादा अच्छा लगता है। तो री शाय है वो, उनकी नेचर शाय। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि अब इसे मेरी खुशनसीबी कहें या बदनसीबी कि वो मॉल तक नहीं जाती मेरे साथ, शो में आना तो दूर की बात कहीं। हाँ, तो वो उनको ज्यादा कह रहे खुशनसीबी भी कहे बदनसीबी भी कहे, ये सही है। तो वो मॉल तक उनको अच्छा लगता है अपनी सिस्टर्स के साथ, सहेलियों के साथ। नहीं तो जैसे अगर आपको घूमने फिरने जाना होता है तो कहाँ जाते हैं हम, खाना खाने बाहर, ये वो कोई ऐसा सीन नहीं होता? नहीं जा पाते। शादी की वजह से लड़का लड़की नए नए घूमने जाते हैं ना, नई नई शादी हुई है तो क्या खानदान वालों के घर चली जाती हैं? नहीं नहीं, शुरू में हम गए थे। हाँ। शादी जब हुई थी इनिशियली मैं उनको सिनेमा लेके जाता था। मुझे पाकिस्तानी फिल्में देखने का बहुत शौक है। अच्छा। जो फिल्म आती है तो मैं रॉन्ग नंबर भी दिखाई थी आपके। अच्छा, अच्छा। तो वो मूवीज देखना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं अपने फैमिली को भी पाकिस्तानी चीजें दिखाता हूँ कि हम बड़ा अच्छा बनाते हैं। हाँ। वास्ता वास्ता वो सब फैंस भी हो गए। तो मूवीज के लिए हम डिनर के लिए शुरू में जाते थे। अच्छा। और आस्ता आस्ता जो है वो उनको, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि यार ठीक है, I don't feel comfortable. मतलब कि अब जैसे जैसे आपके ड्रामे हिट होना शुरू हुए, आपको लोग पहचानना शुरू हुए माशाल्लाह, सो वो
उस वक्त थोड़ी सी नजरों में आने लगे ना सब, जी जी हाँ, तो इसलिए वो थोड़ा हेजिटेट करती है कि अब मैं जाऊँ तो कुछ। हाँ वो पड़ोस में पड़ोसने आ जाती है ना, हाँ, तो ये आपके हस्बैंड का हम देखते हैं ड्रामा बड़ा अच्छा, हाँ, ये वो हमें फलाना, तो वो ज्यादा तंग होने लगी मुझसे। पहले तो पाबंदी तो नहीं आयत करेंगे बस एक साल तक एक्टिंग करेंगे फिर नहीं, ऐसा तो नहीं कभी बोलती। अच्छा ये नहीं है, हमेशा सपोर्ट किया, ये शुक्र है, मतलब ऐसी सपोर्टिव है कि मैं अगर एक माह भी लाहौर में होता हूँ शूट में तो हमेशा कॉल करके यही पूछती है कि भाई खाना वाना ओके, आज तक कभी ये नहीं गया कि कहाँ रह गए कब आएंगे, ये अल्लाह का शुक्र है। नाराज किस बात पर होती है आप? बहुत सेंसिटिव है। अच्छा। नाराज वो होती है जब मैं ऊंचा कह दूं कभी कभी, यार कपड़े यार, हालांकि अभी ये कपड़े मैंने खुद प्रेस किए हैं, काम मैं अपने खुद करता हूँ। अच्छा। हाँ क्योंकि स्ट्रगलर का ये होता है वो लेकिन मैं उनको मौका नहीं देता। अच्छा मैं कहता हूँ कि नहीं, मैंने कभी भी अपनी वाइफ को वाइफ नहीं समझा, मैंने एज अ फ्रेंड समझा। अच्छा मेरी दोस्त है और मैंने उनको अल्लाह की मखलूक समझा है, जिस तरह मैं इंसान हूँ वो भी इंसान है, तो इसलिए मैं उसको इस तरह लेके जाता हूँ। मैं कभी लोग वाइफ को डोमिनेटिंग करते ना, यार वाइफ है तो वाइफ का काम घर के बच्चे संभालना, कपड़े इस्त्री करना, काम काज करना, मेरा ये नहीं है। हम कहते हैं यार हम दोनों बराबर। शुक्र है लड़कों का माइंडसेट भी चेंज हो रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। वैसे भी मैंने ये नोट किया आपके बारे में कि आपका माइंडसेट डिफरेंट है दूसरों से, आप आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपने कहा ना अपनी फैमिली को चेंज किया, मैं चेंज हुआ, मैंने सबको आहिस्ता आहिस्ता मैं उस तरफ रागिब कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखे ना पहले हमारे नाम होते थे समंदर खान, दरिया खान, वो चेंज ही की गई कि अब वो थोड़े से जरा यूनिक नाम इनायत खान हो गया। इनायत खान पुराने नाम है तो अब जो मेरे जो छोटे कजन है उनके नाम मैंने बड़े प्यारे प्यारे साहिल रखवाए हैं। नहीं खैर मेरे बेटे का नाम है फरीद नवाज बलोच, वो भी पुराना नाम है लेकिन वो मुझे लग रहा है वो शायद उनके दादा का नाम जी 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 हमारी ट्रेडिशन है ना जी 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 अब जैसे फरीद का जो पोता होगा जी जी तो वो फिर फरीद के पोते का नाम भी वही होगा फरीद नवाज बलोच, ये हमारे फिर उसके पोते का भी यही होगा, तो ये एक ट्रेडिशन है। जैसे आपको पता है मैं बता दूं, यासर तो नहीं देख रहा, यासर का एक्चुअली नाम है खान मोहम्मद, मैसेज करता हूं यासर को। यासर का एक्चुअली जो खानदानी नाम है वो है खान मोहम्मद, खान मोहम्मद। अच्छा हाँ हाँ, तो यासर नवाज उसके अब्बा ने रखा नाम और खान मोहम्मद दादा का नाम था, तो यासर को वैसे में मिला, तो ये एक ट्रेडिशन है। नहीं हमारे में भी है ये बिल्कुल, मेरे दादा का नाम है नोरेज खान। अच्छा तो मेरे जो छोटा कजन है तो उन्होंने अपना नाम जो है वो नोरेज खान। अच्छा हमारे ही होता है जो सबसे बड़ा कजन होता है, सबसे अच्छा। बड़े बेटे का सबसे बड़ा बेटा वो लाइक फरीद सबसे बड़ा है पूरे खानदान में, तो उसका नाम उसको मिला विरसे में। हाँ, विरसे में मिलता है और बड़ा प्राउड फील करते हैं। जी 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 है। तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आता था लेकिन मुझे अब बहुत अच्छा लगता है। यस हाँ, तो एक नाम लेके आगे जाओ, नाम लेके। यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा सो अगर आप नाराज हो जाते हैं अपनी बेगम से तो वो किन बातों पर होते हैं? मैं मेरी नाराजगी जो है वो 5 मिनट तक होती है लेकिन फिर भी कि जैसे फॉर एग्जांपल घर साफ नहीं है, बच्चे को कोई मसला है या खुद मतलब आपके लिए वो तैयार नहीं हुई या कुछ ऐसा छोटी छोटी बात होती है, खाना नहीं अच्छा बनाया कुछ, किन बातों पे इनायत नाराज होती है? जी जी बेगमात का ये है कि एक ही बात पे होता है मुझे तो कि कहीं जाना हो तो तैयारी में बहुत टाइम लगाती है, मतलब पीर को कहा था मंगल को रेडी हुई है वो वाली सीन है, मतलब कि थोड़ा टाइम इसमें हमेशा लड़ाई होती है। मैंने कहा कि यार कितना तैयार होना है, नेचुरल ब्यूटी है, आप लोगों को मेकअप की जरूरत नहीं है भाई, तो उसमें बस हमेशा थोड़ी तू तू मैं हो जाती है, लेकिन तुम लड़कों को क्या पता, तुम लोग तो बस सिर्फ वो क्या कहते हो सैलून चले जाए तो 10 मिनट में रेडी हो जाते हैं शेव करके, आप हमारे मसले होते हैं ये होता है वो होता है, आई डू एग्री कोई शक नहीं है, लेकिन क्या ऐसा क्या मसला है कि 4 घंटे में भी वो सॉल्व नहीं होता, तो वो थोड़ा सा मुझे इस पे थोड़ी हो जाती है थोड़ी। शक्की तो नहीं है बीवी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब होता है ना कभी खानदान में शादी हुई भी है, जी, 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 शो बिजनेस में, और ये ह्यूमन नेचर, आप सही कह रही हैं, होता है काम हम लोग भी होते हैं, ह्यूमन नेचर बिल्कुल है, लेकिन हमारे यहाँ ये कि हमारा इजी होता है। अच्छा तो उसमें कोड लगा हुआ है फोन पे? इजी है, नहीं कोड लगा हुआ है लेकिन वो जानती है। अच्छा लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 साल हो गए हमारी शादी को, कभी भी चेकिंग वेकिंग नहीं, नॉट एट ऑल, और सवाल जवाब भी नहीं, क्योंकि फलाना हीरोइन धमाका हीरोइन ये आप जिक्र करते हैं वैसे घर जाके काम का जिक्र करते हैं? मैं बिल्कुल करता हूँ, वजह एक इसकी है क्या, क्योंकि डर उसको होता है जो चोर हो ना, चोरी का उसको डर होता, तो मुझे लगता है कि अगर मैं ठीक हूँ ना तो कुछ दुनिया कुछ भी कर ले कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ठीक हूँ, मेरे दिल में कोई चोर नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो इसलिए मैं उनको जानता हूँ कि वो गलत नहीं है, इसलिए वो मुझे जानती है,
कि मैं गलत हूँ, तो इसलिए उसकी वजह यही है कि मैं हालांकि इंडस्ट्री में रहा हूँ, 7-8 साल की स्ट्रगल रही है, लेकिन आज तक मेरा कोई फेयर नहीं रहा। क्योंकि आप फोकस है ना अपने काम, अपने काम से फोकस। आपको पता है कि आप क्या काम करने आए हैं, है ना। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, मुझे पता है कि मैं क्या काम करने आई हूँ। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैंने सुनी आज बहुत सारी कहानियां और आपको भी सुनानी है, सो आइए मिलकर सुनते हैं कहानी। सुनो, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह सुबह कहानियां सुना रहे हैं हम आपको, मोहब्बत की कहानी, प्यार की कहानी और मुख्तलिफ कहानी। इनायत की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमारे साथ पाकिस्तानी ज्यादातर लड़कों के साथ ऐसी होती है। जी 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 बिल्कुल, हाँ। ये चीज होती है, लेकिन उसके बाद वो चीज लव स्टोरी में तब्दील हो जाती है, है ना। यस यस, सो वो वाली चीज है। सो हम आपको एक मुख्तलिफ लव स्टोरी सुनवाते हैं। जी। हमारे साथ यहाँ बैठे हैं फहद अब्बास एंड रबाब फहद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की शादी को माशाल्लाह 8 साल हो गए। जी। दो बच्चे। यस। तो इस कहानी में क्या क्या ट्विस्ट है ना, इनायत जानते हैं मिलकर। वुड लव टू। हाँ जी, कैसे मिले भाई फहद और रबाब? एक्चुअली इट्स अ वेरी फनी स्टोरी। मेरी 2012 में आई गॉट एंगेज्ड, मेरी मंगनी हुई। फादर ने, इट वाज एन अरेंज, कह सकते हैं अरेंज फहद के साथ, नहीं किसी, नहीं, किसी और के साथ। फादर बहुत इंटरेस्टेड थे उन फैमिली में, वो बहुत डिसेंट फैमिली थी। अभी भी मुझे याद है वो आंटी बहुत लविंग थी। अच्छा। देन आफ्टर दैट मैंने, मुझे पर्सनली आई डिडंट लाइक दैट गाय, मुझे इतना पसंद नहीं थे वो। अच्छा। क्योंकि कुछ मुझे लगते थे कि इतने गुड लुकिंग भी नहीं है, मुझे लगता था इतने वेल एजुकेटेड भी नहीं है। बट फादर्स यू नो हाउ दे आर, कि वो सादगी पे जाना है, डिसेंट फैमिली हो। तो उन्होंने रिश्ते को तय कर दिया, मैंने अग्री कर दिया जैसे नॉर्मल लड़कियाँ करती हैं। देन आफ्टर दैट मैंने थोड़ी उनसे बात करना शुरू की, तो मुझे लगा कि वो कैलिबर नहीं है जो होना चाहिए, बट आई एक्सपेक्टेड। तो आपको अपने पार्टनर में चाहिए कि जब मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो तो हो, एटलीस्ट ड्रीम पर्सन ना हो, बट इतना तो हो कि आपका मतलब लगे कि हाँ यही डिजर्व्स मी। तो मैंने अपने फादर से बात करने की कोशिश की, अम्मी को बोला, लेकिन मतलब जब आपने उनसे बात की, बात पक्की होने के बाद, तो आपको लगा कि वो आपका मैच नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि मेंटल लेवल नहीं मैच कर रहा था, कुछ उनकी थी, लग नहीं रहा था कि वो एजुकेटेड भी है इवन। तो फादर वाज लाइक कि उनको लगा नहीं तुम बस ऐसे ही नॉर्मल कर रही हो, कुछ नहीं है, सब सेट हो जाता है। मदर को बताया, वो कहने लगी कि अब तो हो चुका जो होना है, काफी ग्रैंड इवेंट हुआ, मंगनी हुई, एवरीबडी वॉज इन्वाइटेड। तो उसके बाद फिर मैं चुप हो गई। देन फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। देन फिर मेरी सिस्टर से, काफ़ी क्लोज है मेरे साथ वो, उनसे बात होती थी, मैं उनको बोलती थी कि मुझे पसंद नहीं है ये बंदा, इसकी बातें बहुत शैलो हैं, इसकी बातें मतलब ही बहुत ए शैलो पर्सन। मुझे लगा कि नहीं, इनसे बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बात ही नहीं करना चाहती। मेरी सिस्टर ने बोला कि लेट्स सी कि हैं कैसे बाय, मतलब इन पर्सन कैसे, इनसे बात करके देखते हैं। शी क्रिएटेड अ फेक आईडी, उसने फेसबुक पे बनाई, उनसे बात करना शुरू की। मैं तो उनसे बात करती नहीं थी बिकॉज मुझे पसंद ही नहीं था। तो उन्होंने बात करना शुरू की एंड यू वोंट बिलीव कि वो इतने शैलो थे कि वो उनके साथ लग गए। ओह माय गॉड। और इतनी ज्यादा मतलब बातें इस तरह की। आइडिया वैसा अच्छा है, आपने हमें बड़ा अच्छा एक आइडिया दे दिया। लड़कियों ने अगर चेक करना है तो सब करती भी होंगी, मुझे लगता करना चाहिए, दे शुड यू नो, पता तो चले बंदा है कैसा। सो मेरी सिस्टर ने उनसे बात की, ही वाज लाइक स्वीट हार्ट, और जान जान इस तरह के मैसेजेस उनके आना शुरू हो गए। शी केप्ट ऑन टॉकिंग, देखते हैं बात करके कहाँ तक जाता है। उसके बाद एक टाइम आया जब वो बहुत ओवर हो गए, तो उन्होंने वो सारी सारी चैट मेरे फादर को दिखाई कि देखें आप इनसे कर रहे हैं, ये डिज़र्व ही नहीं करते, बहुत ही शैलो पर्सन है। फिर मेरे फादर ने जब देखा तो उन्होंने तो बस समझ लें, उनको तो एकदम से हुआ कि नहीं, मेरी बेटी को ये डिज़र्व नहीं करता इस तरह का बंदा। उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन कॉल किया उनकी मदर को, कहा कि नहीं भाई हमें नहीं करना। वो हमारे घर आने लग गए डेली कि नहीं आप रिश्ता ख़त्म मत करें, ये सुधर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। क्यों, क्या अम्मी के हवाले कर रहे हो, क्या सुधर जाएंगे? मैं इनसे बात समझ नहीं आती, क्या माइंड सेट है कि अगर आप बिगड़ा हुआ है बेटा शादी कर दो सुधर जाएगा, ये क्या माइंड सेट है? Exactly. ये बहुत ही बुरा माइंडसेट है, है ना? और ये आपने अच्छा किया और ये सही नहीं होता, क्योंकि वो सुधरते नहीं है जिन्होंने नहीं सुधरना होता। और उनको लगा कि आप बस आप अभी नहीं करेगा, मैं इससे बात करूंगी, ऐसा नहीं होगा, दिस वोंट हैपन अगेन। आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे फादर तो मेरे बिल्कुल रिजेक्ट हो गए। उन्होंने कहा मैंने करनी ही नहीं इस घर में शादी, और मैं उसी डेट पे शादी करूंगा जो मैंने फिक्स की है, और मैं ढूंढ लूंगा रिश्ता अपनी बेटी के लिए। देन इनका प्रपोजल आया किसी के थ्रू। कैसे आया फहद? आपको कैसे जानते थे? मैं फैमिली को जानते थे? फहद मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते थे। हमारी पहली मुलाकात ही, हमारी समझ ले रिश्ता जब हुआ तब हुई। मेरी स्टूडेंट थी उनकी मदर और उनकी खाला नेबर। आप टीच करती थी? यस, आई एम मतलब उस वक्त शादी से पहले भी। जी जी, यू वर प्रोफेशनल लेडी। यस, आई एम स्टिल अ टीचर। तो उन्होंने जो है, तभी तो अच्छा बोल सक रही। मैंने कहा अल्लाह, मतलब आम पब्लिक जो है नर्वस होती है, इतनी वो नहीं, तो बड़ा
आज मेरे पास बड़े अच्छे स्टोरी टेलर आए हैं, सच्ची बात है। ये एक आर्ट है, हर किसी को स्टोरी सुनाना नहीं आती, ये एक आर्ट है। वेरी ट्रू, है ना? वेरी ट्रू। अच्छा, सो फिर उनकी मदर ने जो है, इनकी मदर जो इनकी खाला है, उनसे अच्छा, एक इत्तेफाक के बाद ये भी हुई कि जो मेरे खाला ने इनके लिए रिश्ता ढूंढा था, वो भी अपनी बेटी के लिए मुझे चाहती थी। एग्जैक्टली। लेकिन मैं जो हूँ वो इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि वो पूरा दिन जो है वो कजन्स में आपस में होता है ना, भाई भाई ये भाई वो, उनको क्या बताएं, भाई भाई कहने वाला जो है वो शादी कैसे हो जाए, शादी से पहले भाई होते, सही बात है। उनकी कजन मैरिज है, मेरी कजन मैरिज है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं क्योंकि हम मिलते ही नहीं थे। अच्छा अच्छा, लेकिन हमारी इतना क्लोज ये था कि मतलब पूरी जिंदगी भाई कहते रहो, उसके बाद कौन, उसके बाद शादी कर लो, मतलब मैं तो तैयार नहीं था ना बिल्कुल भी उनके उसके लिए। आपकी खाला, आपकी खाला ने रिश्ता मैच करवाया हमारा, क्योंकि उनकी बेटी की तो ऑब्वियसली होगी थी, शी इज़ अ वेरी प्रिटी गर्ल माशाल्लाह। तो फिर उन्होंने मैच करवाया, मेरी स्टूडेंट की मदर और खाला जो है नेबर थे, उन्होंने कहा कि हम भांजे के लिए ढूंढ रहे हैं अपने, तो आपके पास कोई नज़र में है? तो उन्होंने कहा मेरी टीचर है बच्ची की, बहुत अच्छी हैं आप देखें। फिर वो हमारे घर पर फर्स्ट टाइम ये लोग आए, उनकी मदर आई, आसमानों पे बनते हैं, आप सोच भी नहीं सक रहे हो, बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो हो गया, ऑल ऑफ अ सडन काया पलट जाना होता है, वही हुआ। मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि मेरे फादर मान जाएंगे, क्योंकि उनको ये था नहीं बहुत ही अच्छी फैमिली, मैं तो यहीं करूँगा, तुम्हें कुछ नहीं पता दुनिया का। खैर ये जब आए तो फिर इनको मैंने देखा फर्स्ट टाइम, रिश्ता जब हो रहा था, आई लाइक्ड हिम माशाल्लाह से, ही वाज वेरी हैंडसम, अच्छा लगा सारा कुछ, फैमिली बहुत अच्छी थी। फिर हमारा रिश्ता पक्का हुआ, यू वोंट बिलीव कि हमारी जो पहली बात हुई है हमारे निकाह के बाद हुई है। इनका मैसेज ही मेरे पास ये आया था कि हेलो, आई एम शक्ल देख के पसंद, शक्ल देख के पसंद, कोई पुरानी पिक्चर नहीं है इन लोगों की, चलो शुक्र है मैं अकेला नहीं हूं, देखनी है 8 साल पहले की पिक्चर, शादी की पिक्चर्स हैं हमारे पास, शादी की पिक्चर्स दिखाए है। अच्छा तो आप लोग स्टैंड बाय पे क्यों नहीं रखते भाई, मुझे फॉरन दिखानी होती है, मेरे कह रहे एक मिनट जरा हम फिक्स कर रहे हैं। लेकिन अच्छा मुझे खुशी हुई कि मैं अकेला नहीं हूँ, आप लोगों ने भी निकाह के बाद ही बात की। एग्जैक्टली, मेरा तो फर्स्ट मैसेज ही आया था कि हाय आई एम योर हस्बैंड, तो मैं कह तो हिस्ट्री है कि हस्बैंड पहली दफा इस तरह हाय आई एम योर हस्बैंड, बिकॉज़ वी डिड एक्सचेंज द नंबर, इनफैक्ट नंबर दे सेंड, देखिए भाई ये देखिए ये शादी की पिक्चर है ये, आर्ट्स में था, आपको इतना चेंज नहीं आया, थोड़ा सा फाद भाई में चेंज आया, जरा सा दाढ़ी वाड़ी आपने रख ली, आप वैसी हैं। थैंक यू फॉर सेइंग दैट, मुझे लगता है मैं ऐसी रही हूं माशाल्लाह आफ्टर 2 किड्स एज वेल, थैंक यू। सो ओके, तो हाय आई एम योर हस्बैंड, एग्जैक्टली, वेरी क्यूट यार। देन फिर हमारी बात शुरू, यानी वो सच अ डिसेंट पर्सन कि मेरे फादर से परमिशन लेके मिलना है, तो फादर से अलाउ करके उन्होंने अलाउ किया, तो ये मुझे लेके गए फर्स्ट डेट जिसे कह सकते हैं आफ्टर निकाह। फिर हम मिले, देन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, उसके बाद फिर शादी के बाद ऑब्वियसली 8 साल गुजार के आप समझ जाते हैं एक दूसरे को, आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, बट मैं कहती हूँ कि आप टाइम स्पेंड करो किसी के साथ, 8 साल गुजार के आपको पता है कि किस बंदे को कहाँ गुस्सा आना है और कहाँ बुरा लगना है, तो दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड ईच अदर। शुरू शुरू के दिन बहुत, वो कहते हैं ना कि बड़े जब बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं, टीदिंग पीरियड कहते हैं उसे, सो शादी का जो वो टाइम होता है उसको भी टीदिंग पीरियड ही कहते हैं, उस वक्त दांत निकल रहे होते हैं, छोटी छोटी बातों पे दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है, बाद में हम कहते हैं बोलने दो। एग्जैक्टली यही होता है, शादी के बाद में शुरू में तो आपको लगता है कि यार ये नाराज हो रहा है कहीं, हमें पता नहीं होता कि नाराज कब तक होता है, ये बड़ा मसला हो रहा है। फिर हाँ, फिर आपको लगता है नहीं यार इनकी नाराजगी किसी की 2 दिन की होती है, किसी की 2 घंटे की होती है, किसी की 2 माह की होती है, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अब यूज्ड टू हो जाते हैं जीवन, यार इनको इस तरह ट्रीट करना, यार ये बात नहीं कहनी, बेगम को बुरा लगेगा, और उस बेगम की नई नई शादी थी, छोटी छोटी बातों पे नाराज होने लगती है, उलझन भी होने लगती है, यार ये तो हर बात पे ही नाराज हो जाते हैं, ये तो हर बात पे ही नाराज हो जाती है, जी जी, तो जी वो जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैच्योरिटी भी आती है, शुरू में ये होता है ना कि जब हस्बैंड बाहर होता है तो वाइफ वेट कर रही होती है कि कब आएंगे कब आएंगे, खाना मैं तब खाऊंगी जब मियां आएगी। एग्जैक्टली यही होता है, एक प्लेट भी एक ही होती है, हाँ। और उसके बाद फिर ऐसा ऐसा रूटीन, फिर उसके बाद प्लेटें चेंज हो जाती है, बच्चों में फिर लग जाता है जिम्मेदारियां, पता नहीं हमें फिल्में और ड्रामों में यही दिखाया हुआ है कि मियां का अगर इंतजार कर रहे हैं खाने पे, तो दिस इज रोमांस, दिस इज मोहब्बत, दूसरे पे बर्डन आ रहा होता है, वो आदमी कह रहा होता है मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं मेरी बीवी भूखी बैठी हुई है, सो मोहब्बत की डेफिनेशन चेंज हो रही है, लेकिन हमें ड्रामे और फिल्मों में यही दिखाया हुआ है कि जी मियाँ का इंतजार करें, वही टेबल पे सर रख के सो खाली प्लेट ढक के रखी हुई है, नहीं एग्जैक्टली आप लोगों के नजरिए से अगर मैं पूछती हूँ तो व्हाट इज रोमांस,
क्या है मोहब्बत? अगर आप सामने वाले को समझ रहे हो कि ये मेक ईच अदर कंफर्टेबल, एग्जैक्टली आसानी पैदा करना, साथ खाना खा रहे हो, साथ बैठ के बातें कर लो, कोई मूवी देख लो, दैट इज रोमांस. आप साथ एक ओवर अ कप ऑफ टी आप बैठ के बात कर लो, कोई नेटफ्लिक्स पे अच्छी कुछ भी देख लो, दैट्स कॉल्ड आई थिंक दैट्स अ रोमांस. ये नहीं कि आप जो है वो सोच रहे हो कि साथ बैठ के बहुत टाइम स्पेंड करें तो ही रोमांस होगा. क्वालिटी टाइम, एग्जैक्टली. अब बच्चों के साथ भी आप टाइम स्पेंड कर लो साथ में, तो दैट्स अ फैमिली टाइम. बहुत सारे जो कपल्स हैं वो बच्चे नहीं जल्दी पैदा करते, देर से पैदा करते हैं कि नहीं हमें एक दूसरे के साथ टाइम चाहिए. आई डोंट नो, लेकिन बच्चों बच्चे भी जब आ जाते हैं ना, वो एक अलग सिनेरियो चल जाता है. उसको संभालना, उसको साथ मिलके संभालना, चलना. लेकिन आजकल एक और भी चीज ट्रेंड बन गया है बहुत ज्यादा, कि जब तक अगर आपकी बर्थडे है तो आप फेसबुक पे पहले विश करो, ताकि वो सोशल मीडिया ये सब चीजें होनी चाहिए. ये नहीं हो तुमने मुझे विश नहीं किया फेसबुक पे, दिखावा बहुत हो गया. लेकिन अब 8 साल गुजार के आए थे, सब इट डजंट मैटर. आपकी वाइफ ऐसी है कि उनको आपको इंस्टा या फेसबुक पे विश करना, ये वाली चीजें जो बीवियों को चाहिए होती है, या सेलिब्रेशन सरप्राइज देना सालगिरह पे, वो ऐसा कुछ भी नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने घर को लेके ज्यादा पॉजिटिव रहती हैं. अच्छा. और हमारा बेटा 10 माह का, वो तुरावली खान साहब, तो माशाल्लाह वो उनको लेके बस उनका जो उनका पूरा करें. तो ऐसी कुछ ऐसा, क्योंकि एक तो वो पब्लिक आपकी बर्थडे है या उनकी बर्थडे है या आपकी शादी की सालगिरह है, इन चीजों को लेकर वो होती थोड़ी तारीफों को के आप भूल गए मेरी सालगिरह, आपने तोहफा नहीं दिया. नहीं ऐसा कुछ नहीं. हमारा देखिए झगड़ा नहीं होता. हर बेगमात का मुझे लगता है कि लड़ाई यहीं पे होती है कि शॉपिंग पे बात होती है कि यार वो इतने आपने कमाए, मेरे कहा है, मैंने ये लेना तो इस बात पे थोड़ी बहुत हो जाती है हमारी. लेकिन मेरी लकी के अब अगेन खुशकिस्मती के बदकिस्मती. लेकिन इसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि तोहफे वोहफे भी नहीं देते. नहीं मॉल ये मैं बात कर रहा था कि ये बर्थडे सालगिरह और ये वेडिंग एनिवर्सरी इस तरह की चीजों से हम थोड़े से आजाद हैं. हाँ बहुत सिंपल रखा हुआ मैंने लाइफ को. बहुत सिंपल. हम क्या करते हैं कि हम जो पैसा हमें बचता है ना, जो हमने वेडिंग एनिवर्सरी में जाया करना होता है, वो हम किसी का राशन डलवा देते हैं, तो किसी बेवक किसी एक दो चीज ड्यूटीज है हमारी, वो स्टडी देख रहे हैं हम उस तरफ लगा देते हैं. अच्छा आप दोनों का मी टाइम क्या है? जैसे ये कह रहे हैं कि हम साथ बैठ के मूवी देख लेते हैं या हम चाय पी लेते हैं, तो इनायत का अपनी वाइफ के साथ मी टाइम क्या है? एक दूसरे के बाल नोचते हैं. नहीं हमारा जो आप लोगों का झगड़ा है वो आपका मी टाइम है. हमारे मी टाइम है क्योंकि हमारे दो हमारे रूम्स अलग अलग हैं. वो सामने वो वहां रहती हैं अपने. ऐसे क्यों? मैं यहाँ होता हूँ क्योंकि आप और हम लोग बीच में रात देर से आते हैं या बच्चा है छोटा है इसलिए. नहीं प्राइवेसी हमारी बहुत ज्यादा है. अच्छा दोनों तरफ से. हाँ लेकिन साथ में हम बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं क्योंकि मेरे घर में साली साहिबा होती है, साले साहब होते हैं. अच्छा. और हमारा बच्चा है और हम लोग मिलके कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं. मतलब आपके घर में 4 लोग रहते हैं? हाँ 5 लोग, पांचवा तो वो मतलब लाइक छोटा. हाँ साली और जो उनके हस्बैंड है. नहीं नहीं, नहीं नहीं भाई साला छोटा. अच्छा वाइफ की बहन और वाइफ का भाई साथ रहते हैं? जी 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 जी. और आप मतलब ये यहाँ पे रहते हैं? ये अलग रहते हैं. तो बाकी पूरा खानदान जो विलेज वगैरह में है? नहीं नहीं वो कराची में है. अच्छा वो अलग रहते हैं, हम कराची में, हम अलग रहते हैं. अच्छा तो आपके साथ आपकी साली और साला भी रहते हैं? बिजी रखा हुआ उनको कोई चला के बीवी तंग ही ना करे ना, बहन भाई साथ ही रख लिए. हाँ वो उसमें खुश रहती है ना. अच्छा, आप साइकी जानते ना. देखें मेन चीज ये कि हर एक हस्बैंड की ख्वाहिश होती है अपने वाइफ को खुश रखना. ऐसा ये कंफर्टेबल जितना हो सके उनको प्रोवाइड करना, तो उनको अच्छा लगता है कि अपने खानदान में वो खुश रहती हैं, कंफर्टेबल फील करती हैं. तो मैंने वही प्रोवाइड किया. मैंने हमेशा कभी भी अपनी अपने डिसीजन पे हावी नहीं किया. कभी भी उनको नहीं कहा कि ये होना तो होगा. कभी भी नहीं. हमारा हमेशा होता है बस है ना, देखें बस चलेगी तो सेंट्रल ट्रैक पे चलेगी. बिल्कुल, बिल्कुल. तो ड्राइवर कंडक्टर का मिलना बहुत जरूरी है. बिल्कुल, बिल्कुल. तो ड्राइवर का ही मैंने लेफ्ट जाना है, कंडक्टर का राइट. अच्छा आप बच्चा रात को जगाते तो आप कहते हैं कि तुम्हारा रूम वो है, मेरा ये है. हाँ वो कि मुझे सुबह शूटिंग पे जाना है. हाँ नहीं वो हम उसमें मैं हेल्प करता हूँ, किचन में हेल्प करता हूँ. हाँ. बच्चे को उठाने में, बाहर घुमाने में. हाँ. उसको चुप कराने में, क्योंकि वो उसे माँ कम, मुझे माँ ज्यादा समझता है. मेरे साथ ज्यादा ज्यादा वो. हाँ मुझे सुबह उठेगा तो वो मेरे दरवाजे तक देखता रहेगा. अच्छा, उठे नहीं उठे ये. हालांकि 11 माह का है. हाँ. तो वो माशाल्लाह ऐसा ज्यादा जो है ना वो अटैच्ड. आपने अभी शायद कुछ दिन पहले डाली थी उसकी पिक्चर. जी जी मैंने अभी डाली थी, एक हफ्ते पहले. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ जी. सो ये आपकी हेल्प करते हैं बहुत ज्यादा.
मैं अलग अलग डेफिनेशंस होती है ना बच्चे के बच्चों के बाद मोहब्बत की डेफिनेशन बदल जाती है. एक्चुअली कहते हैं ना सुघड़ जो बीवी होती है ये सुघड़ बीवी है. बिकॉज़ मैं ज्यादातर फैला के चली जाती हूँ और ये पीछे से आके तुमने क्या कर दिया फिर समेट रहे होते हैं. तो मुझे टेंशन नहीं होती कि देयर ही इज देयर टू यू नो टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. मुझे परेशानी नहीं होती. टीच करती हूँ तो आप तो सुबह सवेरे निकल जाती हूँ. हम साथ मेरा और आपका टाइम एक ही होता है. हम साथ ही निकलते हैं. बच्चे भी साथ ही स्कूल जाते हैं. वो सेम स्कूल में ही है. फिर वापस आते हैं तो फिर ये कि मैं साथ बच्चों को लेकर आती हूँ. लेकिन ये कि माशाल्लाह बहुत हेल्प करते हैं हर चीज में. कपड़ों वगैरह में भी लॉन्ड्री भी कर देते हैं. सो आई एम वेरी यू नो ब्लेस्ड विद दिस थिंग. माशाल्लाह माशाल्लाह. हाँ वेरी सपोर्टिव. एंड देखे एक यंग लड़की जब ये इनकी शादी नहीं होती तब इनकी आंख कितनी मच्योर थी कि इन्होंने देख लिया कि वो जो मेरे लिए शख्स है वो मेरे लिए सही नहीं है. लेकिन एक नजर में देखते ही इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये मेरे लिए सही है. पॉइंट यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर इफ आई एम रॉन्ग तो मुझे आप करेक्ट कीजिएगा. एजुकेशन अपनी बेटियों को पढ़ाएं. अपनी बेटियों को एजुकेट करेंगे तो उनको एक सेंस आएगा कि माशरे में मुझे अपना चॉइस कर सकेंगी. तो मुझे लगता है कि शी इज एजुकेटेड माशाल्लाह. इट हेल्प्ड यू. थैंक यू. और इन्होंने अपने अब्बू का परसेप्शन भी चेंज किया. जी जी. यहाँ से वाकई हम ये चीज पिक करते हैं कि अगर आप एजुकेटेड हैं अगर बच्चियों को आप पढ़ा रहे हैं तो आप अपने लिए सही लोग भी चुन सकती हैं. जो आप उनको चुन के देते हैं उसमें भी बता सकती हैं कि नहीं अब्बू यहाँ आप गलत हो रहे हैं मेरे लिए. जरूरी नहीं है ना. हमारे माँ बाप भी इंसान है. कभी कभार वो भी गलतियां कर सकते हैं. हाँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे खुशनसीब वो लोग होते हैं जो अरेंज मैरिज को लव मैरिज में चेंज करते हैं या फिर लव मैरिज को अरेंज में चेंज कर देते हैं. क्योंकि दोनों का होना बहुत जरूरी है. बहुत बहुत. क्योंकि आपको माँ बाप की दुआएं भी चाहिए. हस्बैंड का साथ भी चाहिए. वाइफ का साथ भी चाहिए. दो खानदानों का मिलाप होता है. ये ऐसा थोड़ी होता है कि लड़का लड़की की शादी हो रही है. बिल्कुल. ये दो खानदान है जो आपस में मिल रहे होते हैं. उनका इकट्ठे राजी होना खुशी होना वो क्योंकि हम कहते हैं ना कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कहते हैं हमने अपनी माँ बाप की पसंद के बगैर शादी की है. सो हम बड़े बुजुर्ग कहीं यही करते हैं कि हमारा दिल दुखाया है कैसे खुद खुश रहोगे. तो वो वाली चीजें बच्चों को जो आजकल के बच्चे जो कहते हैं हाँ भाई नहीं राजी हो रहे अम्मा अब्बा नहीं राजी हो रहे कोई बात नहीं हम खुद ही कर लें. जब दूसरों का दिल दुखा दिया तो खुद कैसे खुश. बिल्कुल. उनकी दुआएं लेना बहुत जरूरी. मैं तो ये कहती हूँ कि मेरे फादर की मैं इस चीज में बहुत वो करूंगी कि उन्होंने सपोर्ट किया. शुरू में ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट प्रपोजल. बट जब उन्होंने देखा कि हाँ ये सिनेरियो उन्होंने फौरन ही उस बात को खत्म किया कि नहीं मैंने नहीं करना. इवन दो उन्होंने बहुत श्योरिटी भी दी. तो मैं कहती हूँ पेरेंट्स को बहुत सपोर्ट करना चाहिए. इवन लड़कीदार होना चाहिए. बिल्कुल. और डॉटर्स को तो बहुत सपोर्ट करना चाहिए इन एवरी वे आफ्टर द मैरिज. इन फैक्ट बाद में भी करना चाहिए सपोर्ट. हाँ हमारे यहाँ ये रूल नहीं है. मर के निकलने वाला डायलॉग मुसलमानों में नहीं है. ये मैं बता दूं आपको. ये आपने इंडियन फिल्मों से पिक किया हुआ है. बेटा घर जा रही हो तो मर के निकल. यहाँ ये नहीं है. सपोर्ट पूरी एंड तक रहनी चाहिए बेटियों के लिए खास तौर पे. छोटे सा ब्रेक. ब्रेक के बाद देखते रहिए कहानी सुन. आप अच्छा गाते हैं. ये भी मेरी तरह. गुड मॉर्निंग. मैं नहीं चाहता कि भारत कहानी. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आप देख रहे हैं कहानी सुनो वीक. और इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं मैं आपको बताना चाहूंगी कि कराची किंग्स की जो स्पॉन्सर हैं वो कौन है हमारे साथ इस वक्त. वन एक्स बेट टाइटेनियम स्पॉन्सर है. बैंक इस्लामी प्लैटिनम बैंकिंग पार्टनर है. पेप्सी ऑफिशियल बेवरेज पार्टनर है. GFS हाउसिंग पार्टनर है. GFS नॉर्थ टाउन रियल स्टेट पार्टनर है. ARY लगुना DHA सिटी कराची लाइफ स्टाइल एंड कम्युनिटी पार्टनर है. एंड ARY लगुना DHA गुजरावाला लाइफ स्टाइल एंड कम्युनिटी पार्टनर है. मुगल स्ट्रीट स्ट्रेंथ पार्टनर है. और इम्तियाज सुपर मार्केट पार्टनर है. कल हमने जो सवाल किया था उस सवाल के जवाब में जो जीती हैं विनर जीता है वो है तहा जाफरी फ्रॉम कराची. और आज का मेरा सवाल है जीतने वाले को मिलेगी कराची किंग्स की शर्ट. आज का सवाल यह है कि कल के होने वाले मैच जो कल गुजर गया मैच उसमें कराची किंग्स की जानिब से सबसे ज्यादा रन्स किस प्लेयर ने बनाए हैं. इसका जवाब आपने देना है और जीतना है कराची किंग्स की शर्ट. हमारे पास इनायत खान आज साथ हैं हमारे. और वक्तन फवक्तन में बहाने बहाने से इनकी कहानी सुनती जा रही हूँ. जरा शाये हैं खुद इनकी पर्सनालिटी. इतनी बात करते नहीं हैं अपनी फैमिली के बारे में स्पेशली वाइफ के बारे में. लेकिन मैंने कहीं ना कहीं से उबलवा ही ली है ना? बहुत कुछ. पहली बार आहिस्ता आहिस्ता. और अभी आप इनको रोमांस करते हुए ड्रामे में देख रहे हैं. जो रियल लाइफ से रियल लाइफ की तरफ हम इनको लेकर आ गए आज है ना. इतने मजे की हमने कहानी फहद और सॉरी आपका नाम रबाब. फहद और रबाब की सुनी. अब आपने
एक कहानी सुनी है उबर लव स्टोरी. Seriously? ये एक लव स्टोरी जो उबर में क्रिएट हुई. हमारे साथ हैं किरण. किरत. 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 ओह किरत. हम सफर वाली किरत. और हमारे साथ किरत के हस्बैंड है माहद खान और सासू माँ भी है भाई. अच्छा, मिसबा खान सासू माँ है. तो सास, आप सोचिए, सास, बहू और बेटा. अब ये मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ भाई आप लोगों की कहानी सुनने में. इनकी क्या कहानी है, इस फैमिली की क्या कहानी है, आप बताएंगी सासू माँ. बेसिकली थोड़ी सी पहले ये बताएंगे, उसके बाद फिर मैं पहले किरत शुरू करूँ. हाँ जी, बेसिकली ये स्टोरी हमारी ये है कि बात हमारी स्नैपचैट पे स्टार्ट हुई. अच्छा, ठीक है. ही एडेड मी ऑन स्नैपचैट. अच्छा. और बहुत ही रैंडम, यू नो, मैं अपनी टीनेज में थी तो मैंने भी ऐड कर लिया, ऐसी कोई रैंडम ऐड कर लूँ. मैसेज आया, ये लुक लाइक जैकलीन. फुल बंदा फ्लर्ट कर रहा है ना, मतलब ये लग भी रही थी. नहीं इधर-उधर से कहीं से होता है ना, क्या पता. तो यू नो यू लुक लाइक जैकलीन. अच्छा, मुझे फर्स्ट टाइम किसी ने बोला. मैंने कहा स्नैपचैट से हो या उबर से शुरुआत हुई, बताती हूँ. अभी आपको मैं स्टोरी सही से घुमा के बता रही हूँ. आपको पूरी स्टोरी बता रही हूँ. मैं लेकर आऊंगी, मैं उस पर लेकर आऊंगी आपको. अच्छा, फिर क्या हुआ कि इन्होंने मुझे बोला जैकलीन, तो मैंने कहा हाँ हाँ. तो कहते हैं कि ना, कभी किसी ने पहले कहा है? मैंने कहा नहीं, ये तुम ही हो पहले ना. इस तरह से हमारी बातचीत स्टार्ट हुई. देन क्या करती हो, पढ़ती हो, क्या करती हो. मैंने बस अपना मैट्रिक किया था उस वक्त, आई वाज 17 इयर्स ओल्ड. ठीक है, तो इन्होंने बोला कि अच्छा सारी बातें हो गई. अच्छा, रहती कहाँ? मैंने कहा वहीं जा तुमने छोड़ा था. He was like, वहां मैं शॉक हुआ. मैंने कहा छोड़ा तुम्हें? हाँ. तुम मेरे साथ कहाँ गई? हाँ. मैंने कहा तुम वही हो ना, उबर वाले हो ना. कैसे? तुम्हें पता था कि ये वही? मुझे पता था, इन्हें नहीं पता था. इन्हें ना ऐसी रैंडम से पता चला उबर वाले. अरे तो मैंने चला जाता है ना. नहीं, मैं बताती हूँ. हम जब ऑब्वियसली जब हम उबर वालों के साथ बैठते हैं, हमें उनका नाम पता होता है, हमें उनकी शक्ल देखते हैं कि हाँ शक्ल वही है ना. हाँ. जो इस पिक्चर में आ रही है ना, ऑब्वियसली. तो भाई मैंने पूरा जांच पड़ताल की. मैं ऐसे बेसिकली अपनी मामा के साथ गई थी, रमजानों के दिन थे, शॉपिंग करने गई थी. अब वहां से मैंने उबर करवाई. एक बंदे की कॉल आती है मेरे पास, मात खाना जर नाम है, कि कहाँ है आप, किस गेट पे आना है. तो मैंने कहा कि यहाँ आना है, आप आ जाए. तो ये आए, मैंने देखा फुल किट शिट में बंदा आता है ना, ठीक है, चश्मा वश्मा लगाए बंदा, हैंडसम हो तो नजर तो फिर चली जाती है. मुझे पहले लगता था कि जोड़ी जो है वो असम में बनती है, लेकिन आजकल टैक्सी ब्रांड में ही बनती है. कुछ पता नहीं होता, कहीं भी बन सकती है. ठीक है, फिर उसके बाद मैं बैठी. खैर, अब हम रास्ते में, एक वो चीज याद है जिससे मैं अक्सर बोलती हूँ कि कहीं आपको मैं तो पसंद नहीं आ गई, कि इनके बने थे 99 रुपीज, मैंने दे दिए 100 रुपए. इन्होंने कहा यार वो 1 रुपए नहीं है मेरे पास ना. मैंने कहा रख ले. फिर वहां से ये है कि फिर उन्होंने बोला कि अच्छा इस गाड़ी में बैठी थी. तो मैंने कहा हाँ. फिर यार मुझे तो पता ही नहीं था जैकलीन पार्ट 2 मेरी गाड़ी में बैठा था. इस तरह से वहां से हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई. वहां से हमारी बातचीत स्टार्ट हुई कि हाँ हम जानते हैं, दोस्ती स्टार्ट हुई, मिलना जुलना स्टार्ट हुआ. लाइक लेकिन पहला मीटअप कितना खतरनाक था हमारा. हमारा पहला मीटअप बहुत खतरनाक था, क्योंकि अच्छा मैं जो हूँ ना, मैं वो बच्ची थी, क्योंकि मेरे घर में बहुत रिस्ट्रिक्शंस, यू नो, लड़कियों के घर में अक्सर होती हैं. और सिर्फ मैट्रिक किया था मैंने उस वक्त ना, तो लेकिन मैं बस इनके साथ गई हूँ. फर्स्ट टाइम मेरा किसी लड़के के साथ ऐसे ना मीटअप था ना, किसी वो भी अननोन. ठीक है, मैं गई. आपको कुछ खबर नहीं? नहीं, मुझे इस वक्त सोती होती थी. नहीं नहीं, मैं सोती नहीं हूँ. एजुकेशन से मेरा ताल्लुक है, मैं टीचर हूँ, गवर्नमेंट जॉब है मेरी. मम्मी स्कूल गई थी. मम्मी आपको नहीं पता? नहीं, मैं बेटा स्कूल गई थी. मुझे माशाल्लाह 31 ईयर्स हो गए, मैं गवर्नमेंट में हूँ, बच्चों की खिदमत कर रही हूँ. मुझे आप बच्चों को भी देखना होता है और घर को. मुझे अपने बच्चों पे इतना ट्रस्ट है कि मैं अपने बच्चों पे ट्रस्ट नहीं कर रही. तक स्टोरी गई थी, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके, पहले हमने खुद कन्फर्मेशन की ठीक है एक बार मिले. अच्छा, हम जो पहला मीटअप था उसकी क्या एंट्री? पहला मीटअप, पहला मीटअप. अच्छा, मैं बता दूं. तो पहला मीटअप क्या था कि लेडीज फर्स्ट. अच्छा, हाँ. पहला मीटअप ऐसा था कि अच्छा मैं छोटी बच्ची, मैंने कहा नहीं यार मुझे ना बस जल्दी से घर छोड़ दो ना. हाँ. इतने में आ जाती है पुलिस. मुझे और यासिर को भी एक दफा पकड़ती है.
बेसिकली मैकडॉनल्ड्स की मेरी मंगेतर है भाई, टीवी पे नहीं देखा तो पूरी दुनिया को पता है मेरी मंगेतर है, नहीं साइड पे गाड़ी लाए। अब शादी के बाद कोई नहीं पकड़ता। हां हम लोग ने ड्राइव थ्रू से लिया आइस क्रीम वगैरह लिए, कुछ खाने के लिए लिया, हम ड्राइव पार्किंग में बैठ गए। अब हम लोग बैठे हुए, अच्छा मैं मुझे थोड़ा सा था शौक उस टाइम, नई नई गाड़ी है बुरे दिन आई थी, तो गाड़ी में ना एक लाइट लगाई हुई थी ब्लू और रेड, वो मेरे ख्याल से पुलिस वाले भी यूज करते होंगे। तो बस वो दो बाइक पे आए पुलिस वाले, आए यूं और मैं सोचती मुझे पकड़ना, ये ऐसे घबराई जैसे पता नहीं ये चोर बैठी है मेरे साथ। कहती है पुलिस वाला जो मांग रहे दे दो, मैं क्या करूं। उसने बोला लाइट उतार के दो, मेरे कहा यार ये ले ले जा। मैंने कहा यार मैं तो पहली बार ऐसे घर से निकली हूं, आइंदा नहीं निकलूंगी, माफ कर दो। मतलब फिर उसके बाद जो है ना वो लिटरली मैंने कॉल की ना, क्योंकि ये उतरे हुए थे पुलिस वाले से बात कर रही थी, तो मैंने अंदर से कॉल की, बात सुनो जल्दी से कुछ भी, आज तक वो रिग्रेट करते कि तुम्हारी वजह से वो मेरी लाइट गई। वो लाइट बहुत पसंद थी। अच्छा, महत को ऊपर चलाने का शौक नहीं था, बस इनको गाड़ी चाहिए थी, इनको गाड़ी चाहिए थी, इनको हमने गाड़ी दिलाई, तो कहने लगे मम्मी मामा फायर टाइम में मैं थोड़ा सा कर सकता हूं। मेरी अच्छी लाइफ थी ना मेरी। क्या पढ़ रहे थे आप? मैं बेसिकली आर्किटेक्ट हूं मैं। अच्छा, तो उस टाइम मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, तो जब वेकेशंस आते थे बीच में महीने के, तो मैंने एक महीने के लिए उबर चलाई थी। इतनी अच्छी आपकी ये बात लगी, क्योंकि हमारे ना ये कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको पता है कि लाइक वेस्ट में तो ये कॉन्सेप्ट है कि आपकी फ्री टाइम है तो आप जॉब कर रहे हैं, और जॉब करने से कॉन्फिडेंस आता है, तो ये कोई ऐसी बात ही नहीं है। और वैसे भी ये बात एक अच्छी है कि उबर की वजह से या इस तरह की जो ब्रांड्स आई हैं, आपके पास गाड़ी है, आप फ्री टाइम उधर जा रहे हैं, तो आपने जी गाड़ी यूज के लिए दिलाई, उन्होंने कहा कि हम मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैंने कहा बिल्कुल फ्री टाइम था, अच्छा पॉकेट मनी निकलती थी, और दूसरा देखे बीवी फिर उसके बाद वो आर्किटेक्ट, तो तुम तो मैट्रिक पास, फिर और वो एजुकेशनल। मसला ये था कि इनका महत के लिए तो खैर बहुत सारे चांसेस थे, बहुत लोग थे कि नहीं हमें महत जो है ना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं ये चाहती थी कि मेरे बेटे जहाँ पसंद करते हैं मैं इनकी पसंद के साथ वो जाना चाहती थी। तो इन्होंने मुझे, और भी रिश्ते आए हुए थे, तो मेरी बेटी मदिहा खान, डॉक्टर मदिहा हैं आप जानते होंगे, तो उनकी जब शादी हो गई तो शादी के उनका मैंने डेट मुकर्रर कर दी। अब मैंने कहा कि उनको तो भेज दूंगी क्योंकि वो लाहौर गई हैं समनाबाद में, तो मैंने कहा मुझे भी घर में कोई ना कोई तो चाहिए होगा, तो मैंने कहा महद आप जो है ना आप डन कीजिए ना, जो भी आएगा उनमें से कोई एक सिलेक्शन कीजिए। अच्छा नहीं आपको कोई प्रॉब्लम थी, नहीं थी महद की चॉइस? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तो इन्हों इनके बारे में मुझे थोड़ा बहुत हाव ना होती, क्योंकि ये मेरे बड़े बेटे से भी मिली थी, बड़ी बहू से भी मुलाकात इनकी हो चुकी थी, वो जर्मन से आए थे। हाँ जी वो जर्मन से आए थे, और फिर इनसे मुलाकात हुई, इनका आपस में मेटअप हुआ, तो मैंने ऐसी पूछा बेटे से जब इन्होंने बात की महद ने, कि मामा एक और लड़की भी है अगर आप कहें तो मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ। एक और मतलब? मैंने और भी बहुत आए हुए थे, दरअसल एक नहीं दो तीन और भी थे। एक बात मुझे बताए ना आप, इनकी ये तो राजी हो गई अम्मा, आपकी कंफर्टेबल अम्मा थी, इनके घर वालों की कहानी सुनाए सर जी फंसे थे, वो कहानी वही आपको आगे बताने जा रही हूँ कि जब इन्होंने मुझे कहा कि मामा वो है, मैंने कहा ठीक है मुझे मिलवा दीजिए, मैं रमजान के शायद दिन थे, घर लेकर गया था, मैंने रोजा इफ्तार किया, रोजा इफ्तार करने के बाद मैं महद के साथ, कहने लगे आप एक नजर देख लीजिए, मैंने कहा चलिए ठीक है मैं देख लेती हूँ। मैं इनके घर गई, इनके वालदा ने कहा कि कुछ खाएंगी पियेंगे, मैंने कहा ना मुझे किसने, मैं भी खा भी के आ रही हूँ, किसी चीज़ की जरूरत नहीं। बहरहाल उनसे दो मिनट या दस मिनट हम बैठे हैं, बातचीत की है, उसके बाद घर आ गए। जब हम घर आ गए तो फिर इन्होंने घर शिफ्ट किया दूसरा, किरत ने, हम इनके घर गए। किरत तुमने क्या कहा, ये क्यों आए, कौन है ये? नहीं मैं, मेरी मामा को पता था, मेरी मामा को ये बात पता थी कि महद खान अजहर जो है मैं इनसे बात करती हूँ, और कोई एक लड़का है जिसको मैं पसंद करती हूँ, पापा तक ये बात नहीं गई थी। अच्छा। होता है ना कि अभी जब मैं आई हैं तो पापा घर में नहीं थे। हाँ, नहीं नहीं पापा घर में थे तरावी पढ़ने। लड़का पूरी ईद मनाने के चक्कर में
पापा मेरे गए थे तरावी पढ़ने और हमारी पूरी प्रॉपर प्लानिंग थी कि ऐसे टाइम पे आना, ऐसे मिलवाना। अम्मा से तो बात भी आई ना, उसके बाद क्या हुआ कि मम्मा और अम्मी की मुलाकात हुई, मम्मा को पसंद आ गए, मम्मा को भी बहुत पसंद आया, अम्मी का भी हो गया कि ठीक है बेटा मैंने देख लिया, अब आप उसको पढ़ने दो क्योंकि जाहिर है वो तो अभी इंटर में, वो तो बहुत छोटी है। अच्छा अम्मी ये समझ रही थी कि नहीं आगे जाके ये बोल देगा ठीक है आपकी मर्जी है ऑल दैट ना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मम्मा ने बात की मेरे फादर से, मेरे फादर उस वक्त तक चलो ठीक है देख लेते हैं बात करते हैं कौन है क्या नहीं है। मेरे फादर आए, मिले, अम्मी भी मिली उनसे, सब हुआ, बात बात हुई, लेकिन मेरे फादर ने मना कर दिया क्योंकि मैं स्टडी करी थी, आई एम मेडिकल स्टूडेंट बेसिकली। मेरे फादर ने मना कर दिया, नहीं अभी तो इसकी 5 ईयर स्टडीज है, बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगी ये वो। अम्मी ने वहाँ पर बोला भाई मेरी बेटी जैसी है, जितना पढ़ना चाहे जो पढ़ना चाहे, इसको किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, ये मेरी गारंटी है आपको। तो मेरे फादर ने उस वक्त भी नहीं, बिल्कुल साफ इनकार, मतलब उनको क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी भी थी ना, तो उनको था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी कैसे हैंडल करेगी, यू नो मैं फादर की उससे भी सोच रही थी, बहुत उससे सोच रही थी ऑब्वियसली। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरी मतलब मनाया बहुत बहुत सारी टाइम बाद मनाया, लेकिन एट दी एंड यही हुआ कि मैं शादी होकर आ गई। ये भी इशू था क्योंकि अभी दो बच्चों की शादी से, हाँ जी मेरे बड़े बहन भाई की शादी, हम जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी जल्दी जल्दी हम नहीं कर सकते, हम 2 साल बाद करेंगे। मैंने कहा मेरे पास तो टाइम नहीं है क्योंकि मैं बेटी की शादी कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि उधर बेटी की करूँ उधर बेटी, अभी ये कहने लगे नहीं हम इतनी जल्दी तो बिल्कुल अरेंज नहीं कर सकते। मैंने कहा मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे बेटी चाहिए, बस बेटी चाहिए, मैंने कुछ नहीं चाहिए, मैंने कहा सिर्फ मुझे बेटी चाहिए। और बहन की शादी थी लॉन, मैंने कहा अकेले क्या शादी एंजॉय, एजुकेशन पे आ गई ना टीचर, आप अपनी बेटियों को तालीम याफ्ता करें ताकि वो शऊर आए। खाली डिग्री वाली पढ़ाई ना हो, सही वाली पढ़ाई, शऊर जिसे कहते हैं, ये है ये सही वाली। औरत का तालीम याफ्ता होना एक पूरे खानदान की तश्कील है, एक पूरे खानदान की बेहतरीन। अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो आपको अच्छा मुआशरा मिलेगा, अच्छा माहौल मिलेगा। अगर ये सब देखे ना आजकल जहेज दहेज क्या चीज है, मेरे घर में दुनिया की हर नेमत है, मुझे बेटी मिल गई मुझे और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। देन बाप इनकी वालदा, इनके भाई, इनके फैमिली, इनकी जो है सब एग्री हो गए। तो इन्होंने फिर अरेंज किया, ठीक है भाई हमने निकाह की डेट रख ली, उधर इनके निकाह की डेट रखी 21 को, हमने इनको इन्विटेशन दिया था, फिर हमारे घर आए, मुलाकात हुई, शादी जल्दी की भी इसलिए थी ना, बहन की शादी थी लाहौर में, मैंने कहा मैं अकेला क्या एंजॉय करूंगा, बेगम को साथ लेकर जाना। शादी आपकी हुई उनकी? हाँ पहले मैंने की ना, ताकि बहन की शादी बेगम के साथ एंजॉय कर रहे हैं लाहौर जाकर। फिर ये हुआ कि कैसा हुआ आप लोगों की शादी? 1.5 साल हुआ अभी शादी को। अभी तो नए नए तो आपने मेडिकल कंटिन्यू किया कि नहीं? कंटिन्यू मेरा माशाल्लाह थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अम्मी ने जो गारंटी ली थी कि मैं इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी, इस पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, मतलब अभी तक मैं मतलब किचन में कोई मेरा जिम्मेदारी नहीं है, घर की कोई मुझ पर जिम्मेदारी नहीं है, मैं जब चाहूं इनकी बेटी गई, एक रौनक आ गई, बेटी एक रौनक आ गई, यही यही अम्मी बोलती है। नहीं मैं तो कहती हूँ एक मदीहा गई है दूसरी मदीहा। सीखो सांस घर में जो बैठी हुई है, सीखे इनसे कुछ, हम इसीलिए तो सुना जी, ऐसी भी सांस होती है। मेरी बेटी भी 5 साल का, उन्होंने डॉक्टर फिजियोथेरेपी जियाउद्दीन से किया है, 5 ईयर उन्होंने जैसे ही कम्प्लीट किया और एम जयसन साहब हमें पसंद आ गए, हम उनका रिश्ता आया, देन हमने फौरन खटा कर दी, मेरा ख्याल 3 महीने में हमने निकाह कर दिया। ये इनकी मोहब्बत की कहानी है और इसमें सास भी शामिल है। और मैं बहुत खुश हूँ बहू से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मेरी ये बहू नहीं है ये मेरी बेटी है। और मुझे अभी तक तो मायूस नहीं है, टिशू नहीं है मेरे पास अभी तक, मैंने टिशू नहीं है मेरे पास, यानी अभी खीर में हाथ नहीं डलवाया आपने? नहीं नहीं मुझे डलवाने की जरूरत ही नहीं, जब तक मेरी सांस है जब तक चलेंगे। हमने कहा कि नहीं बेटा अभी इजीली स्टडी कीजिए। इन लोगों की शादी की पिक्चर भी तो दिखाओ ना जरा, दिखाओ जरा इनकी मोहब्बत की
दास्तान उबर उबर में शुरू हुई. ये हम लोगों ने अपने घर में सेटअप किया था. घर में हम लोगों ने ये हमारी ढोलकी की पिक्चर है. ढोलकी की पिक्चर. ढोलकी थी हमारी. गुड गुड गुड. जबरदस्त. तो आप कुछ दिनों बाद आप डॉक्टर बन जाएंगी इंशाल्लाह. ये भी वलीमा की पिक्चर है. और ये हमारे निकाह की है. निकाह सेटअप भी हमने घर में किया. निकाह का भी मेरे क्या करेंगे स्पेशलाइज किस में करेंगे. अभी तो डॉक्टर फिजियोथेरेपी कर रही हूं. इंशाल्लाह आगे जाके अच्छे खासे इवेंट से हेमन उन्हें ही वैसे ही बनना. अभी इंशाल्लाह आगे जाके वो देखेंगे क्या करना है. तो यही कहानियां सुनते रहिए भाई आप. शायद इस कहानी सुनने से कोई आपकी जिंदगी में भी बदलाव आए. अब्बू मान जाए, सास मान जाए. कुछ कुछ जी वालिदैन में जो है ना इतना टॉलरेंस होना चाहिए कि बच्चे जो पसंद कर रहे हैं ना उनकी पसंद को बिल्कुल जरूर देखें. आप मिलें, देखें, सुने. अगर अच्छी फैमिली है सुनना पड़ेगा तो मत मना करें. अच्छी फैमिली तो मत. सही आप पता चल गया कि ये लेक्चरर है. लेकिन भाई मैं छोटा सा ब्रेक लूंगी. ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. कहानी सुनो. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आप कहानियां सुन रहे हैं हमारे पास और मजे मजे की डिफरेंट कहानियां आपको सुबह सुनने का मौका मिल रहा है. इनायत खान हमारे साथ है और इनायत की भी हमने कहानी सुनी है. इनायत भी मेरे साथ कहानियां सुन रहे हैं और हैरान हो रहे हैं कि ये अच्छा ऐसा भी होता है वैसा भी होता है. बाय द वे आई एम अ गुड लिसनर. मुझे नरेशन इतनी नहीं आती लेकिन सुनना बड़ा अच्छा लगता है. सुनना अच्छा लगता है इसलिए मैं किताबें नहीं पढ़ता. किताबें भी ऑडियो में सुनता हूँ तो इसलिए अच्छा लगा मुझे सुनना. अच्छा हमने इस वीक एक नया सेगमेंट शुरू किया इस वीक कहानी सुनो के थ्रू. आपने अक्सर देखा होगा नहीं ड्रामों में दिखाते रिश्ता कराने वाली आंटी आती हैं. हाय बेटा रिश्ता लेकर आई हूँ चलें तस्वीरें दिखाएं भाई ना आप जी. लेकिन आप देखें अब रिश्ता कराने वाली कितनी मॉडर्न हो गई हैं. ये हाय बेटा वाली नहीं है. ये अच्छा। हाय बेटा वाली है. हमारे साथ इस वक्त जो मेरे पास काम फरा मुइन और सना नवीद हमारे साथ है. ये मैच मेकर्स है मॉडर्न जमाने के साथ. वही वाली बात पढ़ी लिखी मैच मेकर्स है ताकि वो अच्छे मैच एक दूसरे के साथ बना सके. अच्छे खानदानों को एक दूसरे के साथ जुड़वा सके. तो ये नया जमाना है और अलग अलग मैच मेकर्स हम लोग रोज अपने शो पे लेकर आ रहे हैं विद इनके नंबर्स और कॉन्टैक्ट. क्योंकि मुश्किल हो गया है बच्चों के रिश्ते एक दूसरे से कराना. अच्छे रिश्ते ये बहुत मुश्किल हो गया. तो मैं अपनी पब्लिक को ये सहूलत फराहम करने के लिए रोजाना नए नए मैच मेकर से मिलवा रही हूँ. आज ये दोनों हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. सो कितने रिश्ते करा चुकी हैं आज तक आप अपने करियर में? बहुत सारे रिश्ते अल्हम्दुलिल्लाह करा चुके हैं. कि अब पहले तो जब हमने स्टार्ट किया था तब तो देखते थे कि हम लोग ने कितने कराए कितने. अब इतने करा दिए अल्हम्दुलिल्लाह कि पता ही नहीं होता. हाँ. और हो जाते हैं अल्लाह की करम से. जी बिल्कुल. मेरा भी यही है कि मैं बंधन मैरिज ब्यूरो रबाब अली के साथ काम कर रही हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल का एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म में हमें आने का मौका दिया. तो आप क्या कहते हैं कभी कि शादी वादी में जाते होंगे तो आप तो आंखें आपकी घूम रही होती होंगी इधर उधर लड़के लड़कियां. बिल्कुल इस तरीके से बहुत सारे प्रपोजल हमें आ जाते हैं. जब हमें उन्हें पता चलता है कि हम लोग मैरिज ब्यूरो का मैच मेकर का काम करते हैं तो फौरी तौर पर वो हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं. और मैं कहती हूँ बहुत अच्छा ये हो गया है कि पहले तो होता था कि मतलब घर घर जाके खातून वो कर रही होती थी या आपस में मैच मिल रहे होते थे. लेकिन अब बहुत अवेयरनेस हो गई है लोगों को कि वो मैरिज ब्यूरो की तरफ आ रहे हैं. और ये बहुत अच्छा एक आपने बल्कि कराया प्रोग्राम प्लेटफॉर्म दिया है. ये बात ज्यादा सही है ना कि बजाय लड़की ट्रॉली लेकर जा रही है. नहीं दिखाते थे पुराने जमाने में लड़की रिजेक्ट हो रही है ट्रॉली लेके जा रही है और वो. अब ये मैच मेकर के थ्रू थोड़ा ये होता है कि भाई इतने सारे घरों में नहीं जाना चाहिए. देखिए मेरा सवाल ये है कि उस दौर में क्या आज के मयार के स्मार्टफोन से नहीं थे ना. वो दौर अलग था. बाय द टाइम अब चेंज होते हैं ना चीजें. अब नई चीजें आ रही होती हैं. सोसाइटी के हिसाब से चल रहे होते हैं. अब साइंस के हिसाब से चल रहे होते हैं. अच्छी बात है ये. तो बेसिकली आप लोग क्या ये सच बोलते हैं बिल्कुल लड़की और लड़की दोनों के हवाले से जब रिश्ता करवाते हैं? बिल्कुल सच. बिल्कुल बिल्कुल. हमारा सबसे पहला ये होता है फोकस ये होता है कि हम जो है फैमिली से कहते हैं कि जो आप प्रोफाइल दे रहे हैं उसमें बकायदा हमारे उस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ होता है कि आप बिल्कुल अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए उसको जो चीज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट लिख के दें ताकि हम लोगों को आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना. एज में बहुत इशूज आते हैं. लोग हमें बता रहे कुछ और होते हैं और होता कुछ और है. लेकिन ये हमारा सबसे पहला होता है. लेकिन एक बात मैं आपसे पूछूंगी जैसे फॉर एग्जांपल रिश्ता आता है तो लड़की के लिए खासतौर पर तो लड़की के जो घर के मर्द हजरात होते हैं वो जाके लड़के की नौकरी पे पूछते हैं. बिल्कुल. उसके बारे में इंक्वायरी करते हैं सब. बिल्कुल. तो आप लोगों के अभी इस तरह की कोई फैसिलिटी होती है आपका जो मैरिज ब्यूरो होता है कि आपके यहाँ कोई जो रिश्ता आप
लेकर जा रहे हैं, बता रहे होते हैं बिल्कुल उसका बैकग्राउंड चेक। ये तो ऐसे होता है कि जैसे इंक्वायरी, क्योंकि हमारे पास जो रिश्ते आते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उस बैकग्राउंड से होते हैं कि हमें पता होता है कि उसमें कोई ना फ्रॉड होगा ना वो खराब हो गया, उस हिसाब से हम लोग मैचेस, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास जो रिश्ते हैं वो जेन्युइन रिश्ते हैं तो उनके साथ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। पर ये मैं कहती हूँ कि माँ बाप और जो भी हमारे साथ मैच बनाते हैं करते हैं ये उनका होता है, क्योंकि जिस तरह आप अपने बच्चे के लिए ढूंढ सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, वैसे हम नहीं कर सकते। ऑब्वियसली हम चाहते हैं करना, पर जो चीज़ आपको अपनी बेटी के लिए अच्छी ढूंढनी है या बेटे के लिए अच्छी ढूंढनी है वो आप ही कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम ये कहते हैं कि जो भी आपने आप खुद पता, या आप खुद पता कर लें, क्योंकि क्योंकि रिजेक्शन क्यों होती है, क्या वजह? बहुत सारी वजह है, बहुत सारी वजूहत हैं, एक नहीं है। मैं बताऊं लड़कियों का आजकल जो सबसे पहले लड़के आते हैं, सबसे पहले डिमांड उनकी फैमिलीज की यही होती है लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। अब देखिए अब 100% तो ये नहीं है, आप आपका अपना बेटा भी देखे उसमें कितनी खूबियां हैं, लेकिन वो ये कहती है कि 100% जो है लड़की वो खूबसूरत हो, गोरी हो, गोरी हो। अच्छा, खूबसूरती का मायार हर जमाने में बदलता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक जमाने में होता था कि नैन नक्श अच्छे हो, बिल्कुल, अब ये रंग गोरा, रंग गोरा होना चाहिए, वो पहले भी था। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, नहीं अब कलर का बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्शन, अभी तक क्यों अंग्रेजों के गुलाम है। मैं यही चीज बताना चाह रही हूँ, मैं यही चीज बोलना चाह रही हूँ, नहीं मैं कह रहा बेटा चाहे जैसा भी हो, माँ कहती है कि मेरा बेटा चांद जैसा है, बिल्कुल चांद जैसा, बेटियाँ भी चांद जैसी होती है। लेकिन अक्सर जो है वो औरतें कहती है कि मुझे बहुत अच्छी बहू मतलब लड़की दिखाओ, तो मैं कहती हूँ आंटी मुझे तो सारी लड़कियाँ अच्छी लगती हैं, मुझे नहीं पता कि आपको क्या अच्छा है। गोरा रंग है ये बोलते हैं, गोरा रंग बोलते हैं, रंग साफ होना चाहिए लड़की, बिल्कुल बहुत ज्यादा। मैं बता रही हूँ एक चीज, मैं निधा आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से ही कहना चाहूंगी कि देखें नॉर्मल प्रोफाइल तो हमारे पास आ रहे होते हैं, असल प्रोफाइल में हमारी जो रबाब अली है उन्होंने सबसे ज्यादा जिसमें रखा है वो बेवाओं का, और जो जिनके पास बच्चे होते हैं उनका जो एक्सेप्ट करने के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम या तलाक याफ्ता, तो उसके लिए भी हमारे पास एक बहुत अच्छा वो है कि अगर कोई फैमिलीज ऐसी होती हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकती हैं तो फीस अभिल्ला उसका हम लोग करवाते हैं। तो अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो वो हमसे बिल्कुल वो चल रहे हैं ना आपके कांटेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं आज के हमारे कैंडिडेट्स हैं, और ये भी एक मैंने नई समझे वो शुरू किया इस प्रोग्राम के थ्रू कि ये बच्चियां कहीं भी किसी भी लाउंज में ट्रे लेके नहीं जाएंगी, ये गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के लाउंज में आई हैं और मैं इनकी पसंद पूछूंगी। ठीक है, मैं शुरुआत कर रही हूँ सबसे पहले यमुना से, यमुना का पैकेज दिखाते हैं, सबसे पहले हमने पैकेज रिकॉर्ड किया है और फिर यमुना से आपको लाइव यहाँ मिलवाते हैं। दिखाइए जी यमुना का पैकेज। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा बिरयानी कढ़ाई बना लेती हूँ एंड चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ। मैं जो है अपना लाइफ पार्टनर चाहती हूँ सबसे ज़्यादा केयरिंग हो एंड लाइक सपोर्टिव हो, बिकॉज सपोर्टिव होना इसलिए ज़रूरी है ताकि जहाँ पे इंसान इंसान से गलती हो जाती है एंड जहाँ से जहाँ पे मैं गलत हूँ और वो मुझे वहाँ पे सपोर्ट करे। मैं ज़्यादा प्रेफर ये करूँगी कि सेपरेट रहे, क्योंकि अक्सर होता है नंदों की वजह से वैसे ही बहुत लड़ाइयाँ फसाद रहता है, तो आई सजेस्ट सेपरेट, ज़्यादा बड़ी फैमिली ना हो, फैमिली मेम्बर्स कम से कम हो ताकि मैं घर को अच्छे से मैनेज करके चल सकूँ। मेरी ये ख्वाहिश है कि लाइक अपना बिजनेस हो एंड सेकेंडली कि वेल सेटल्ड हो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान मैं बहुत ज़्यादा शौक से देखती हूँ एंड सेकेंडली कि इसके जो मालूम हुआ था कि यहाँ पे बहुत सारे मैच मेकर्स आ रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी किस्मत आजमाई जाए। हाँ जी, सो यमुना खान हमारे सामने है। इनायत जरा हम बैठ के इंटरव्यू लेते जी 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 है ना, चाहे इनायत भी इंटरव्यू लेंगे मैं भी इंटरव्यू, जरूर जरूर। कुछ अगर आपके दिमाग में भी सवाल आए तो मैं भी, ना मैं सास हूँ ना आप सास हैं जी जी तो हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। कैसी हो यमुना? अल्लाह का शुक्र मैं खैरियत से, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। देखो मैं तुमसे कभी भी उम्र नहीं पूछूंगी क्योंकि जो उम्र नजर आती है बस वही है मेरे नजदीक, एज इज जस्ट अ नंबर। सो वैसे तो तुम छोटी सी ही लग रही हो मुझे, क्यूट सा तुम्हारा फेस है। यमुना की क्या ख्वाहिश है और यमुना की स्ट्रेंथ क्या है? वो कहती है ना तुम अपना, मैं अपनी फेवरेट हूँ, तो यमुना अगर अपनी फेवरेट है तो क्यों है? मैं अपनी फेवरेट इसलिए भी हूँ क्योंकि मैं बहुत से काम जानती हूँ, लाइक सिलाई कढ़ाई हो गई एंड लाइक ऑफिस वर्क, बिकॉज मैं ऑफिस में वर्क कर रही हूँ। क्या काम करती हो? आई एम डीलर इन बहरिया टाउन कराची। अच्छा जी, मतलब लाइक प्रॉपर्टी का काम? प्रॉपर्टी का काम करती हूँ। ओह, ज़मीनें बेचती हो? जी जी। आज मेरे साथ मेरी मैच मेकर है फरा मोइन, मेरी वालदा ने इनसे लाइक कॉन्टेक्ट किया था मेरे रिश्ते के हवाले से
क्योंकि वो मेरी रिश्ता फाइंड कर रही थी. अम्मा को जल्दी होती ना किसी लड़की की शादी कर दो. बिल्कुल अभी कबाऊ कूद बनी है, शादी कर दो जल्दी से. बंधन मैरिज ब्यूरो से मतलब इनका कांटेक्ट मिला. एंड शी इज सो कोऑपरेटिव, बहुत अच्छी हैं. इन्होंने कुछ मैच दिखाए. तुम अपने बारे में बताओ, रिश्ता कराने वाली के बारे में क्यों बता रही? अच्छा अच्छा, उनके बारे में मुझे पता है. जी जी, तुम अपने बारे में बताओ कि तुम्हारे शौक क्या है. मैं तो तुम्हारे बारे में लाइक मुझे आउटिंग बहुत ज्यादा पसंद है. आउटिंग हो गई, कुकिंग हो गई, सिलाई कढ़ाई में भी बहुत अच्छी हूँ. तो जैसे मेरे नेबर्स, मेरी कजन्स, फ्रेंड्स, ये सारे मुझसे ही लाइक जल्दी घुल मिल जाती हूँ. जल्दी घुल मिल जाती हूँ लाइक फ्रेंड्स वगैरह. ये वो क्या चीज तुम्हें जरा मुश्किल लगती है जिंदगी में? जैसे मुझसे रोटी नहीं पकाई जाती भाई, मुझे नहीं आती रोटी पकाना. मुझे भी मेरी वालदा मेरी बहुत हेल्प करती हैं कुकिंग में. लाइक फिर भी मेरे खाने की टेस्ट परफेक्शन इज वेरी गुड. अच्छा हाँ, मेरा टेस्ट परफेक्शन है मतलब इस तरीके से. और मुझे किताबें पढ़ने में मुश्किल होती है, मैं टीवी देख लेती हूँ. मैं इंफॉर्मेशन गूगल वगैरह से फोन पे उठा लेती हूँ, पर मैं नॉवेल किताबों या किताबें वो मुझे पढ़ना, पेज पलटो, मैं आईपैड पे पढ़ लूंगी. सेम, तुम अपने बारे में बताओ. मेरा भी ऐसे ही है कि मैं नॉवेल्स वगैरह पढ़ेगा क्या करूँगी, वरना वो आपकी तारीफें शुरू कर देगी. नहीं, नॉवेल्स वगैरह इतनी कोई खास पसंद नहीं है. ये है कि कोई अच्छी स्टोरी हो, लाइक पुराने जमाने की भी ज्यादा ना हो, क्योंकि मॉडर्न जमाना है. लाइक इस तरीके की न्यू स्टोरीज जिसमें कुछ एक्सप्लोर करने के लिए मिले. एक्शन मूवीज हो गई, आई लाइक मूवीज पसंद है बहुत ज्यादा. मूवीज के हद तक एक्शन पसंद है ना मैम, घर के हद तक बिल्कुल ऐसे ही. हस्बैंड जो है वो यूं बच रहा हूँ ना. ये बड़ा अच्छा होने वाले शोर में क्या मतलब क्या चाहती हैं आप, क्या चीज? सबसे पहली चीज़ तो मैं ये चाहती हूँ कि लाइक सपोर्टिंग हो, बिकॉज सपोर्ट इस सेंस में चाहती हूँ कि वैन एवर कोई मिस्टेक हो जाती है. अक्सर ये होता है, मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि शोहर जो हैं वो अपनी बहनों को ज़्यादा सपोर्ट दे रहे होते हैं, एंड लाइक वाइफ की इतनी चलती नहीं है घर में. तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी भी घर में चले इस तरीके से, छोटी फैमिली हो, ताकि अच्छा ये है कि छोटी फैमिली, छोटी फैमिली और साथ रहना हो तो रह लोगी, साथ रहना, जॉइंट फैमिली भी चलेगी. लेकिन सात बहन भाइयों का, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, सात बहनों का एक भाई तो नहीं चलेगा. बस बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे दो बिल्कुल ऐसा ही है. ओके जी, तो ये है यमुना. अब मैं आपको जो नेक्स्ट मिलवा रही हूँ, क्या नाम है, मिशेल फातिमा है मेरे साथ. और मिशेल फातिमा का पैकेज दिखाती हूँ और फिर उनसे बात करती हूँ. क्यूट सी प्यारी सी हैं, देखिए भाई. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिशेल फातिमा है, मेरी एज 24 है और हम तीन बहनें हैं. मैं सबसे बड़ी हूँ और फिर मेरे बाद दो छोटी मेरी बहनें और हैं. मेरी हॉबीज जो हैं कुकिंग है, रीडिंग है और ट्रैवलिंग मुझे ज़्यादा पसंद है. मेरा पैशन ये है कि मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ घर में. मेरी तालीम मैंने ग्रेजुएशन इन आर्ट्स की है, यानी सिंपल वर्ड्स में बी ए. और मैं अपने लाइफ पार्टनर में तीन खूबियाँ चाहती हूँ कि वो अंडरस्टैंडेबल हो, रिस्पेक्टेबल हो और हेल्थ कॉन्शियस हो, यानी स्मोकिंग जस्ट लाइक शीशा ये सब ना हो. और पढ़े लिखे लोगों, यानी समझने वाले हों, एहसास करने वाले लोगों, इज्जत करना जानते हों, कदर करना जानते हों. मैं चाहती हूँ कि मैं जॉइंट फैमिली ही प्रेफर करूँ. मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है और मुझे फेवरेट फूड में मुझे बिरयानी ज़्यादा पसंद है और फेवरेट प्लेस मेरी कराची है. निदा यासिर का शो एक पाकिस्तान का नंबर वन शो है, इसलिए मैं यहाँ से अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहती हूँ. जी तो मेरे सामने सब बैठी है मिशेल फातिमा. अस्सलाम वालेकुम मिशेल, कैसी हो? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी हमारे लिए दी कि हम यहाँ पे अपने लिए मतलब बोल सकें. और क्या कहते हैं, शुक्रिया बहुत बहुत आपका. सो मिशेल जो है वो कभी हुआ है तुम्हारा मौका ऐसा हुआ है कि तुम्हें कोई देखने आया हो, या मतलब रिश्ते वाली जो ये एलिमेंट है इससे पहले तुम गुजर चुकी हो? जी जी जी, बहुत सारे, बहुत सारे देख चुके हैं. लेकिन ये होता है कि काफ़ी लोग जो है, मैं जैसे अभी मैंने कॉन्टैक्ट लेंस लिए हुए तो मैं ग्लासेस यूज़ करती हूँ, तो उसमें वो बोलते हैं ये ग्लासेस नहीं होने चाहिए. अभी तुमने लेंस लगाए हुए? जी, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट है, मेरे ओरिजिनल कलर यही है. अच्छा अच्छा, आंखों का यही कलर भी बता दिया. जी तो मतलब उस पर चश्मा लगाती हूं, मैं भी चश्मा लगाती हूं, तुम्हें पता है? जी, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमें नजर नहीं आता, हमें जो है लेंस वाली चाहिए. उनकी वजह से फिर मैंने लेंस लगाना स्टार्ट कर दिया. तो तुम चश्मे में अगर तुम होती थी तो तुम्हें रिजेक्ट कर देते थे? जी. और सेकंडली होता ये होता था कि आप वो बोलते थे आप पिक्चर में कुछ और हैं, रियल में कुछ और हैं. अच्छा, लेकिन मुझे तो तुम रियल में इतनी खूबसूरत लग रही हो, इतनी प्यारी लग रही हो. अब जैसे मेरी एज 24 है तो वो यकीन ही नहीं करते थे कि मेरी एज 24 है, वो कहते थे 18-19 ईयर्स की लग रही है.
अब काफियों को CNIC दिखा दिया लेकिन फिर भी जी, तो इसमें ऐसी क्या बात है? वो कहते हैं कि हमारे लड़के के साथ जो है सुटेबल नहीं रहेगी, बहुत छोटी लग रही है जी। ये तो प्लस पॉइंट होता है लड़कियों के लिए। हाँ, लेकिन इस तरह से बना देते हैं कि बस क्या बोले बंदा। हाँ, तो तुमने लेंस लगाए इसलिए जी, और मैंने सुना तुमने बाल भी लंबे किए। हाँ ना, बाल भी लंबे किए, पहले शॉर्ट हेयर्स थे मेरे, क्योंकि गर्मियों में यानी आपके आपसे थोड़े लंबे होंगे यानी चेस्ट तक होंगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप शॉर्ट हेयर हैं क्योंकि गर्मियां इतनी होती है हमारी कराची में, संभालना बहुत मुश्किल होता है। कोई कहता छोटे बाल कराओ, कोई कहता लंबे कराओ बाल। हाँ, तो ये बोले नहीं लॉन्ग हेयर्स होने चाहिए, स्ट्रेट होने चाहिए, सिल्की होने चाहिए, तो आयरन होती है, कैरेटीन होता है, सब कुछ है आज। फिर भी बस पुराने जमाने के उसमें ही चल रहे हैं लोग। अच्छा, फिर सेकंडली ये कि हाइट का इशू है, अगर मेरी 5'1" है तो मैं कैसे बढ़ा लूँ उसको हाइट। हाँ, अल्लाह ने मुझे दी है, हाँ, जैसी दी है बहुत अच्छी दी है। हाँ, तो कहते नहीं हमारे लड़के के साथ ये सूट नहीं करेगी, इस तरह से चीज होती है। यानी कि आजकल के लोगों को डमी एक चीज चाहिए। हाँ, मतलब ऑर्डर पे तैयार करना है हमको। मसला ये है, देखे आप ऑनेस्ट हैं, ऑर्डर पे तैयार कर, आप एक अच्छी बात आप लोग ऑर्डर पे नहीं होता तैयार, जैसे ये कह रहे हैं आपके लिए जैसे आप चाह रही हैं। सॉरी, सही है। नहीं नहीं, बस मैं आपकी देखे, आपकी प्लस पॉइंट ये है कि आप ऑनेस्ट हैं जी। हाँ, आप ब्रूटली ऑनेस्ट हैं, ये अच्छी बात है आपकी, ये बहुत आज के जमाने में बहुत बड़ा, बहुत कम लोग होते हैं, पावरफुल पॉइंट है आपका जी। तो आप, मैं, अच्छा ये तो हो गई, जो आपको आके इस तरह रिजेक्ट करके गए उनकी तो ऐसी की तैसी दफा करो। जो लोग हमें देख रहे हैं, इतनी प्यारी सी ये बच्ची है, और आप क्या करती हो, आपने पढ़ाई क्या की हुई है? मैंने बीए किया है, लेकिन मुझे आगे पढ़ना है, बीएड करूंगी या फिर मास्टर्स करूंगी मैं, और मुझे क्या कहते, अभी मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ और ऑनलाइन टीचिंग भी करती हूँ। अच्छा, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाती हो ऑनलाइन? ऑनलाइन तो मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ, मैट्रिक की, और मैथ्स पढ़ाती है जी, मैट्रिक की ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी, मैथ्स में अच्छी लड़की ये, माशाल्लाह। अच्छा, और बाकी मॉन्टेसरी टिल 9 क्लास तक है अभी मेरे पास, उनको केमिस्ट्री फिजिक्स इस तरह चीज। अच्छी थी पढ़ाई में तुम जी? अच्छी नहीं थी, मतलब यानी एवरेज थी, लेकिन पढ़ाने का, लेकिन पढ़ाने का मुझे, मैं 5 years से पढ़ा रही हूँ, तो मुझे पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो गया कि किस बच्चे को किस तरह से कैसे टैकल करना है। हाँ, अच्छा, लाइक होता है ना कि किचन के काम, जैसे कहती है मुझे सिलाई कढ़ाई आती है जी, तो आपकी किचन के कामों में किस चीज पे उबूर हासिल है? मुझे बस ये है कि मैं देसी फूड्स बना लेती हूँ। अच्छा, लेकिन वो भी मतलब मेरी जो मदर है वो बहुत बोलती है मुझे कि सीख लो काम आएगा। इतना तुम्हें शौक नहीं है? इतना मुझे शौक नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से ही ना पढ़ाने की तरफ है, मेरा जॉब माइंड सेट है। अच्छा, तो इसी तरफ मेरा माइंड है। और तुम शादी के बाद भी जॉब करना चाहोगी? जी, शादी के बाद, अगर फ्यूचर टू बी के अगर सोर्स ऑफ इनकम इतनी है कि वो नहीं चाहते तो मैं ऑनलाइन प्रेफर करूंगी, क्योंकि मेरे पास इतनी एबिलिटी है तो मैं उसको अवेल करना चाहती हूँ जी। तो मैं ऐसा कुछ नहीं, जैसे किसी घर में होता है कि खवातीन बाहर नहीं जाती जी, अगर ये रूल है उनके घर का, तो तुम ऑनलाइन भी अर्निंग कर सकती हो जी। तुम मैं वर्क फ्रॉम होम चाहती हूँ कि मैं काम भी करती रहूँ, मेरे पास अर्निंग भी आती रहे, और जो है घर का भी काम चलता रहे, किसी को कोई भी मसला ना हो इस हवाले से। ओके ओके, सो ये वाली चीज है। और अब तुम अपनी ख्वाहिश बताओ कि तुम किस तरह का, मैं चाहती हूँ कि सेल्फ सफिशिएंट हो, यानी इतना अर्निंग हो कि बेसिक नीड्स तो पूरी हो। ठीक है, और दूसरा अगर विशेष की बात होती है तो मैं अपनी भी अर्निंग करती हूँ, मैं अभी भी अपनी विशेष जो है खुद उठाती हूँ, यानी जो मुझे चाहिए होता है, जिस तरह का ड्रेस, सब कुछ मैं खुद करती हूँ। अगर कुछ और जैसे सेल फोन वगैरह लेना है तो फिर मदर से बोलती हूँ कि मुझे इतनी नीड है, आप मेरे साथ हेल्प करें, कॉन्ट्रीब्यूट करें इस तरह से। ओके ओके, सो ये थी जी मिशेल फातिमा की कहानी। और अब ये हमारे पास दो प्यारी प्यारी लड़कियां हैं, और अब हम आपको मिलवाते हैं उवैस से। उवैस रफीक का पहले आप पैकेज देखें और फिर मैं उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उवैस है, मेरी एज 25 इयर्स ओल्ड है, मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ इन फूड फैक्ट्री। फैमिली में बड़ी सिस्टर है जो मैरिड है, उसके बाद मैं हूँ, उसके बाद एक भाई है छोटा और बहन है, वो ट्वेंस है दोनों। मेरी हॉबीज में मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, नई नई जगह डिस्कवर करने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। लाइफ पार्टनर मुझे इस तरह की चाहिए कि जो लॉयल हो सबसे पहले, क्योंकि मैं समझता हूँ किसी भी रिश्ते के अंदर भरोसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और इसके अलावा लविंग हो, केयरिंग हो। और मैं थोड़ा फूडी हूँ, तो खाने पीने के मामले में उसको सारी चीज़ें आनी चाहिए, रशियन, इटालियन, देसी, सारी चीज़ें। मतलब निदा यासिर के शो में मैं इसलिए आना चाहता हूँ कि हमारी फैमिली में भी उनका शो बहुत देखा जाता है, और पूरी दुनिया में उनको देख रहे हैं हम काफ़ी टाइम से,
तो मैं इसलिए आना चाहता हूँ कि वहाँ पर मुझे हो सकता है मे बी पॉसिबल कि मुझे कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए। जी वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और मैं आपको बताती चलूं कि मैं ऑफिशियली रिश्ता कराने वाली बन चुकी हूँ, लेकिन सहारा मैं इन लोगों का ही लूंगी अगर, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इनायत कैसा लगेगा निदा यहाँ से रिश्ता कराने वाली। नहीं नहीं, आप स्मार्ट स्मार्ट आ रही है, माशाल्लाह। अब तो कोई मसला नहीं है मुझे, जब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ तो देखिए आप टफ टाइम दे रही हैं। तो मुझे बहुत लोग मिलते हैं कि निदा प्लीज हमारे बेटे के लिए या बेटी के लिए रिश्ता ढूंढो, तो मैं आप लोगों के ही नंबर आप दे दूँ, सही है ना? तो आप लोगों के मेरे रेफरेंसेस से फोन आएंगे बहुत सारे। थैंक यू सो मच जी ओएस। तो ओएस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ओएस आपकी सेहत से तो नहीं लगता कि आप फूडी हैं? फूडी अब शुरू किया है, अभी जिम था तो इस वजह से थोड़ा मतलब अब डाइट पर पहले था, लेकिन अब जो है थोड़ी सी सेहत बनानी है तो इसलिए अब थोड़ा सा फूडी। अच्छा, अब आपको सेहत बनानी है? अब बनानी है। हाँ, इसलिए आप जिम जा रहे हैं ताकि मसल्स वगैरह बने, मसल्स वगैरह गेन। लेकिन आपको खाने पीने का शौक? शौक है, बहुत शौक है। आपने साफ ये शर्त जाहिर की है कि जो जिससे मेरी शादी उसको खाने पकाने का शौक, बिल्कुल बिल्कुल ये वो है कि आपको बहुत शौक है, इसलिए बहुत शौक है खाने पीने। आपको खुद कुछ आता है पकाना? नहीं, कुछ खास नहीं आता। हाँ। चाय वगैरह बना लेता हूँ क्योंकि अच्छा। हमारा खुद ब्रांड है, मैं प्रोडक्शन मैनेजर इन फूड फैक्ट्री। हाँ। तो चाय का मुझे शौक है, चाय मैं खुद बना लेता हूँ, कॉफी वगैरह। इसके अच्छा। अलावा कुछ भी नहीं आता, ये उसके अलावा कुछ, कुछ नहीं आता, आता। लेकिन भाई आपको ये और कोई खसूसियत आपने बताई लड़की की कि आपको किस तरह की लड़की चाहिए? लॉयल चाहिए सबसे पहले तो मैं समझता हूँ, क्योंकि किसी भी रिश्ते के अंदर भरोसा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आजकल जो लड़के डिमांड करते हैं प्यारी चाहिए, खूबसूरत, ये चीजें मुझे नहीं मैटर करती कि लड़की प्यारी हो, नेचर अच्छी होनी चाहिए। थिंक फिर आप खुद ही आगे मोहब्बत हो जाती है, सारी चीजें आप हो जाती है, बस लॉयल्टी होनी चाहिए, आदत की अच्छी होनी चाहिए। फर्स्ट कुछ लड़कियां होती है शक्ल सूरत की बहुत प्यारी होती है, आदत उनकी इतनी मजे की नहीं होती है, नेचर वाइज अच्छी होनी चाहिए। लॉयल, मुझे लगा लॉयर चाहिए। हां मैं पता नहीं, मुझे लगा शायद लॉयल्टी वगैरह जो हम तुम्हारे किससे ऐसे होंगे केस लड़ सके। नहीं नहीं, सॉरी यार, गुड गुड गुड। अच्छा ये तो आपने कहा कि खाना पकाने का उसको शौक और उबूर हासिल हो, अगर वो वर्किंग लेडी है तो चलेगी आपको हाउसवाइफ ही चाहिए? हाउसवाइफ ही प्रेफर अच्छा। करूंगा, बाकी अगर करना चाहती हैं तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह है इतने रिसोर्सेज के मैं उनको कर सकता हूं प्रोवाइड, बट ये कि घर पर बैठ के करें तो वो ज्यादा बेटर आई थिंक। मेरी फैमिली को अपनी फैमिली की तरह समझे, जैसे अपने पेरेंट्स से करती हैं वैसे ही मेरी। कितनी बड़ी फैमिली है आपकी? मेरी फैमिली में चार बनते हैं जिसमें मेरी बड़ी सिस्टर मैरिड है, उसके बाद मैं हूँ और ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर, दैट्स इट। पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स का इंतकाल हो गया। अच्छा, पेरेंट्स का जी। उसके बाद मैंने अपनी फैमिली को ऑन किया आगे जाके। ओके, आप उन सबका भी खर्चा? जी जी एग्जैक्टली, वो वाली जी। ठीक है चलें, लेकिन मतलब अच्छी बात है कि आप बिल्कुल, इन्होंने नॉर्मली बता दिया कि भाई मुझे ज्यादा मैं प्रेफर करूंगा कि हाउस वाइफ हो और उसको कुकिंग पे उबूर हासिल हो, क्योंकि वो कहते हैं ना मैं देख क्या पेट दिल का रास्ता, मैं अपने हाथों हाथ क्यों लगा रही हूं, दिल का रास्ता पेट, अजीब मुझे दिल का रास्ता पेट से होता है। फूड की बात हो रही है, वो ब्रांडिंग भी कर दी फूड वुड है ना, तो वो सारा कुछ फूड में ही आ रहा है, सब कुछ फूड में। लेकिन अच्छी बात है आपकी कि आप एक सेल्फ एस्टीम वाली जो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, ये बड़ी अच्छी बात है। और कमाओ, कोई बच्चा अच्छा कमाते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमा लेते, पूरे घर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अच्छा कमा लेते, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं नहीं पूछ रही ना उम्र पूछती हूँ ना सैलरी पूछती हूँ, फिर भी कितनी फिगर सैलरी होगी, कितने फिगर कमा लेते हो? असल में मेरा अपना पर्सनल जो है पार्ट टाइम में रियल एस्टेट का बिजनेस भी अभी इनिशियली शुरू किया है, तो वहां से अच्छी अर्निंग है, बाकी सैलरी तो मतलब अराउंड 2 आप कह सकते हैं, मतलब 2 के करीब करीब सही है। अच्छा अच्छा यार, इतनी महंगाई में 2 सही है। मैं एड्रेस नहीं बता रही, लेकिन फहद मुस्तफा की पड़ोसी है ये, तो अच्छा अच्छी जगह रहते हैं इसका मतलब। ओहो, अच्छा पक्का सही है ना? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। पड़ोसी हो या क्या? पक्का पड़ोसी नहीं, वो मतलब फ्लैट्स की साइड में हमारा मतलब हाउस के जगह, असद शफीक के पड़ोसी हैं, असद शफीक क्रिकेटर हैं, उनके पड़ोसी हैं। चलें बस सही है, काफी बता दिया मैंने आपके बारे में, आ ही जाएगा कोई ना कोई रिश्ता, बता दीजिएगा आप। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, इनायत आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और भाभी को हिचके आ रही है, पानी पिलाया, सलाम कहिएगा उन्हें, और कभी ना कभी चले उनको जरूर राजी करें इंशाल्लाह। मैं कभी आपके रेस्टोरेंट ले आऊंगा, मसला नहीं है ये जो शो में नहीं आ सकता वो रेस्टोरेंट पे आप मिलाए मुझसे। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। तो जी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आज क्या होने वाला है, अभी क्या होने वाला है, कल क्या, कौन किसकी कहानी सुनेंगे, ये सब जानेंगे आप, लेकिन अभी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त बैठी हैं रेहाना, और रेहानाज डिजाइनर कलेक्शन लेकर आई है। रेहाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हो?
बिल्कुल ठीक। मैं बड़ी हैरान हुई सुनकर कि आपके माशाल्लाह कितने 12 आउटलेट्स हैं? 12 ब्रांचेस थी। अब ये कि कोविड की वजह से मैंने थोड़ा कम भी किया क्योंकि ऑनलाइन का मेरा माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जी अच्छा। सो ऑनलाइन आप कब से शुरू किया? यार बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 या 3 महीने हुए हैं, मगर मुझे जो था कि यार मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, मैंने अब किया। तो बहुत अच्छा। रेहाना डिज़ाइनर कलेक्शन के नाम से ऑनलाइन जाएंगे तो मिल जाएगा जी। यूट्यूब पे आप जब जाएंगे या इंस्टा पे आप जाएंगे तो रेहाना डिजाइनर कलेक्शन के पेज पे जाएंगे आप, इंशाल्लाह मैं आपको मिलूंगी। तो होलसेल है या क्या मतलब प्राइस आपकी काफी यार रिटेल में अगर आप आते हो शॉप पर, यार प्राइजेस होलसेल में लो या रिटेल में लो आपको बेहतरीन प्राइजेस मिलेंगे, यानी कि 2000 से लेकर 5000 तक की रेंज के हैं बेहतरीन ड्रेसेस जी। और 3-पीस सूट्स हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज साइजेस होंगे और हर चीज मिलेगी, ऑर्गेंजा मिलेगा, शिफॉन मिलेगा, नेट मिलेगा, आपको सब चीजें मिलेंगी मेरे पास। जैसे मैं देख रही हूं बच्चों के भी कपड़े हैं जी, किड्स की पूरी वैरायटी मिलेगी आपको, यानी कि 14 साइज से लेकर आपको मिलेगा 36 तक का साइज, यानी कि 6 महीने की बेबी से, इतना इतने छोटे साइजेस नहीं रखता कोई, तो 6 महीने की बेबी से लेकर आपको 12 साल 13 साल तक की बच्चियों के सारी वैरायटी मिलेगी आपको। तो रेहाना को कितना टाइम हो गया ये? यार मुझे 16 साल हो गए इस फील्ड के अंदर। अच्छा, मगर ऑनलाइन अभी आई हूँ मैं। बस ये कि अब लिखा हुआ था ये सफर, तो अब इंशाल्लाह शुरू किया है मैंने, तो बहुत आउटस्टैंडिंग मुझे रिस्पॉन्स मिला इसका माशाल्लाह से। तो कहाँ आपकी फैक्ट्री वगैरह किधर है? और फैक्ट्री मेरी मंजूर कॉलोनी में है। मतलब मेरा अपना स्टिच होता है, फिर आपके कपड़े वगैरह स्टिच होता है और शॉप पर आता है, गुल प्लाजा बेसमेंट शॉप नंबर 51 रेहाना डिजाइनर कलेक्शन। वहाँ पर आप आओगे, जो ऑनलाइन नहीं लेना चाहते वो शॉप पर आ सकते हैं, तो शॉप पे आना है देखने कपड़े वगैरह तो गुल प्लाजा में आप? हाँ, गुल प्लाजा शॉप बेसमेंट में शॉप नंबर 51 रेहाना डिजाइनर कलेक्शन। अच्छा ठीक है, और भी ब्रांचेस हैं मगर ये बड़ी ब्रांच है, मैं यहाँ पर खुद बैठती हूँ, तो ये कि मुझसे मुलाकात भी हो जाएगी और फिर दूसरी ब्रांचेस में भी अगर जाना हो तो कोई इशू नहीं। और यूट्यूब पे भी आप सब दिखा रही होती हैं ये? और यूट्यूब पे मैं खुद भी, हाँ मैं खुद भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जो सेल वाले आर्टिकल्स हैं वो ज्यादातर मैं फैक्ट्री आउटलेट से देती हूँ, तो वो फिर आपको यूट्यूब पे मिलेगा। तो ड्रेसेस हम आपके देखें? हाँ जरूर, ठीक है ना, मुझे होता है बड़ा मजा आता है कपड़े देखने में, तो वो भी हम बच्चों से शुरू करते हैं। बच्चों से अगर शुरू करते हैं ना तो निधा ये छोटा साइज है। क्यूट, हाँ राजस्थानी स्टाइल है। कितने का होगा ये 3-पीस? ये वाला देखें, ये वाला जो है ना कॉस्ट इसकी थोड़ी सी ज्यादा है, हाँ। जैसे इसका अगर आप लेते हैं 14 से 24 तक के साइजेस के 3500 रुपए, अच्छा। फिर 26 से 36 के प्राइजेस 4000 रुपए, ठीक है। इसके ये 2500 का, आप इसमें चाहे 26 ले लो चाहे आप 36 ले लो, कोई भी साइजेस ले लो। अच्छा ठीक है, ये देखें ये इसका स्टाइल है। हाँ कितना क्यूट है, सलवार कितनी मजे की, राजस्थानी स्टाइल है पटियाला के साथ में, ये देखें बड़ा अच्छा बच्चों के लिए करके ना। अच्छा ये मदर डॉटर में भी है मेरे पास, अच्छा, इसमें अगर कोई चाहे तो हम मदर डॉटर में ओपन कोड ट्विनिंग भी, जी जी ट्विनिंग भी कर सकते हैं सर। ये भी इसमें जी, ये आप जो जो मैं बच्चों को दिखा रही हूं, इसके कलर कॉम्बिनेशंस या मुझे व्हाट्सएप पे मेरे नंबर चल रहे होंगे स्क्रीन पर, तो व्हाट्सएप पे अगर कोई मुझे करता है तो फिर मैं उसको डिटेल्स में। ये देखिए कितनी छोटा सा, ये क्या है? ये लहंगा है निकालने, ये इंडियन लहंगा है। अच्छा ये सब आपने खुद बनवाया? जी जी मेरा अपना आर्टिकल, मार्केट में कहीं और नहीं मिलेगा, ये आपको 4000 का रहेगा। नहीं मिलेगी दिखाने, बड़ा खूबसूरत लहंगा है, राजस्थानी स्टाइल है ये थोड़ा सा। मैं हेल्प करूं? अच्छा, हाँ हैंगर असल में है ना, मुझे हैंगर दें आप निकालें अंदर से। एक मिनट, नहीं एक मिनट, ये थोड़ा सा हम लोग जो है ना वो नहीं, असल में यहाँ पर कंफर्टेबल वो थोड़ा सा ना, ये देखें ये चीज़ है, इस तरीके से करके आएगा बच्चों का, किड्स का ना, अगर घर का कोई फंक्शन है तो बेहतरीन है, ये बैग है और ये बच्चे भी है, बड़े भी है, ट्विनिंग भी हो सकती है, बैग भी बहुत अच्छा है अगर मेहंदी माइयों में भी। अब जैसे अगर फर्ज करें ना मेहंदी की तकरीब है और सब कहें हमें एक जैसा, बच्चों के लिए बहुत परेशान होते हैं निदा की मतलब नहीं मिल रही है। मेरा सवाल ये की अब जैसे सब एक जैसे कपड़े पहनना चाह रहे हैं और वो आपको ऑर्डर प्लेस करें की भाई हमारे 15 cousins है, अलग अलग साइजेस है, तो वो साइजेस मिल जाएंगे ना आपको क्वांटिटी में मिलेगा। जैसे इसकी अगर आप कहते हैं हमें जो 15 आर्टिकल्स के मतलब 15 ड्रेसेस चाहिए, तो वो आपको मेरे पास उसी वक्त मिल जाएगा, उसमें हाँ मिल जाएगा, उसी वक्त मिल जाएगा, इतनी क्वांटिटी होती है मेरे पास। ओके ओके, मैं रखती जाती हूँ। आप लेडीज में अगर आते हैं तो लेडीज में भी बड़ा अच्छा है, ये देखें इस तरीके से करके, ये 9mm का काम किया हुआ है, स्टिचिंग पैटर्न पर पूरा बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से ये तकरीबन जैसे कितने का पड़ेगा? ये 3000 का है, दुपट्टा भी है, फुल दुपट्टा, ये फुल दुपट्टा इस तरीके से करके फुल दुपट्टे पे काम आएगा, ठीक है। और इसमें कलर्स भी मिलेंगे, हाँ। जब आप व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टेक्ट करते हो तो इसमें फिर कलर्स भी मिलेंगे आपको, ठीक है ठीक है।
एक ये आ गया सिंधी अजरक स्टाइल के अंदर. अच्छा अच्छा. इसके भी दुपट्टे पे काम होगा, स्लीव्स पे फुल वर्क होगा इसके इस तरीके से. ठीक है, ये भी दुपट्टा बड़ा खूबसूरत है इसका भी. इस तरीके से करके ना, ठीक है, फुल बॉर्डर के ऊपर भी काम होगा और माथा पट्टी पे भी काम होगा इसका. क्योंकि दर्जी इतना तंग करते हैं. हाँ, ये स्टिचिंग मिल जाते हैं स्मॉल मीडियम लार्ज. और ये जैसे नेट के ऊपर आ गया. हाँ. शिफॉन के साथ में है, इसका भी फुल दुपट्टा एम्ब्रॉयडर्ड होगा इस तरीके से. कॉम्बिनेशन के साथ में और साइजेस क्या क्या अवेलेबल है? साइजेस स्मॉल मीडियम लार्ज इस तरीके से. स्मॉल मीडियम लार्ज. और अगर कोई कहे भाई एक्सेल में भी बना दे तो आप एक्सेल में होता है 23 चेस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा मेरे पास. जी, जैसे अगर ये आर्टिकल्स मेरे हैं वो 23 चेस्ट में आपको मिल जाएंगे. और कोई कहे अगर फिटिंग चाहिए वो तो वो खुद करवाएं या यार स्मॉल मीडियम लार्ज के परफेक्ट साइजेस आते हैं. स्मॉल का 18 चेस्ट होता है, मीडियम का 20 होता है, लार्ज का 22 होता है. ऑनलाइन भी आपका पूरा जी 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 बिल्कुल साइज चार्ट होगा. ये मिरर वर्क का पूरा आजकल जो काम चल रहा है इसमें आपको कलर्स भी मिलेंगे. कलर्स का इतना टाइम नहीं था हमारे पास तो इस हिसाब से मैंने थोड़ा इसके ऊपर भी यूट्यूब पे देख लें. हां यूट्यूब पे जाके देख लें. यूट्यूब पे रिहाना डिजाइनर कलेक्शन के नाम से है. हां और यूट्यूब पे आप आओ, व्हाट्सएप पे नंबर के आप व्हाट्सएप पे मुझे कॉल करो. आपको जो ऑर्डर्स आते हैं कहां से? पाकिस्तान के अलावा अदर सिटीज से भी आ रहे हैं. जैसे अगर पाकिस्तान में आते हैं तो अदर सिटीज से, कराची से बहुत ज्यादा आ रहा है, और कनाडा, यूके, अमेरिका, हाँ, जर्मनी, हर जगह से, इटली, फ्रांस, हर जगह से आ रहा है. शिप कर देती हैं? हाँ, शिपिंग हो जाती है यहाँ से, इजी हो जाती है. सही सही सही. ये देखें ये होगा इस तरीके से. ये भी दुपट्टे पे एम्ब्रॉयडर्ड वाला है. ये कैमरे में दिखा है ना, वो कैमरा है. ये दुपट्टे पे एम्ब्रॉयडर्ड वाला है. अब ये 2500 के अंदर आपको स्टिच सूट मिल रहा है. जबरदस्त. और कुछ भी काम, हाँ, कुछ भी आपने नहीं करना, सिर्फ लेना है और पहनना है. हाँ. कुछ भी नहीं. कभी कभार होता है ना आपको बस एक दफा पहनना है. आप अब रमजान भी आ रहा है, इफ्तार पार्टीज अब तो जाहिर होंगी क्योंकि उसकी रीजन ये है कि कोविड का थोड़ा. अब ये देखें ये स्टिचिंग पैटर्न पे पूरा बना हुआ है और लूज प्लाजो के साथ में इसको थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दिए. सिंपल दुपट्टे के साथ में इसको लूज प्लाजो के साथ डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं जी. तो आप अपनी डिजाइन चेंज करती रहती होंगी कभी तंग पजामे? इसीलिए कैटलॉग नहीं होती मेरे पास. जब अगर आपको बोलोगे तो मैं आपको नई कलेक्शन ही दिखाऊंगी क्योंकि है ना मैं हर दफा चेंज करती हूँ. अच्छा अच्छा. क्योंकि मार्केट में सेल भी लगती है तभी जो पुराने होते होंगे डिजाइन वो उस पे सेल लगती है. अभी लगी हुई है सेल. अच्छा अच्छा. आप जब यूट्यूब पे आओगे तो सेल लगाई थी अभी रजब की, अब शाबान की और रमजान की भी लगेगी इंशाल्लाह. वो यूट्यूब पे मिलेगी आपको. अच्छा. फैक्ट्री आउटलेट से. ये व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में इसका नेट का दुपट्टा है. ठीक है. इस तरीके से करके ये नेट का दुपट्टा है. हाँ, ये पूरा तो डिजाइनिंग कौन करता है? डिजाइनिंग मैं खुद करती हूँ. आप खुद कर रही होती हैं फैक्ट्री के ऊपर? तो आप अकेली तो नहीं कर सकती होंगी, आपकी टीम अकेली होगी पूरी? हाँ, मतलब वो तो टीम है. हाँ. जाहिर सी बात है वो अकेला तो नहीं, स्टिचिंग के लिए करके कारीगर होते हैं और फिर सारी इस तरीके से चीजें. ये पूरा हैंडवर्क का काम किया है. सही. ऑर्डर करने का तरीका बता देना लोगों को जरा आप. ऑर्डर करने का तरीका ये है कि अगर आप कराची से हो तो कैश ऑन डिलीवरी भी होती है, ठीक है, और अगर आप अदर सिटी से हो तो आपको एडवांस पेमेंट करनी होगी मुझे और फिर मैं आपको यहाँ से डीसी करूँगी, ठीक है. और अगर आप बाहर से हो जैसे अमेरिका वगैरह से या कनाडा से, यूके वगैरह से, तो फिर आपको एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी और मैं यहाँ से शिपमेंट लगवा सकती हूँ. एक हफ्ता लगता है. एक हफ्ता ऑस्ट्रेलिया मेरा गया है. हाँ. एक हफ्ते में वहाँ पर डोर टू डोर पहुँच जाता है. अच्छा. और अगर पाकिस्तान में ही कहीं किसी और शहर से डिलीवर करवा रहे हैं जैसे तो? अगर यहाँ से अगर आप जा रहे हैं जैसे कोयटा जा रहा है या तो वो 2 days में. अच्छा. हाँ, चला जाता है लेपर्ट वगैरह से या फिर MNP वगैरह से 2 days में 3 days में पहुँच जाता है. जी सही सही. ठीक है, कुछ और बताना चाहती हैं इससे पहले कि हम खुदा हाफिज़ कहें आप? नहीं, बस कुछ भी नहीं. ये कि जो मेरी रिसेलर बहने हैं जो काम करना चाहती हैं उनके लिए भी होलसेल रेट्स पे भी सब चीज़ें मिलेंगी और इसके अलावा अगर वही चीज़ अगर सेल के अंदर लेना चाहती हैं तो शाबान रमज़ान की भी तो मेरे यूट्यूब पेज पर आएँ, रिहाना डिज़ाइनर कलेक्शन के पेज पर, उसको लाइक सब्सक्राइब भी करें और उस पर आके मुझे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें तो इंशाल्लाह वहाँ से बड़ा अच्छा क्लिक हो सकती हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे रेट्स में होते हैं. थैंक यू सो मच रिहाना. थैंक यू सो मच. तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम. उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा सुबह सुबह इतनी सारी कहानियाँ सुन के. कल भी सुनेंगे हम कहानी सुनो वीक में और बहुत इंजॉय करेंगे. मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से बात करना, उनसे मिलना और इसीलिए अब तक मैं आपके सामने हूँ. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. दुआओं में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़. सुबह जो आई है तेरी बल के चुम के हवा